बारे में दिन प्रतिदिन जो है नए नए व्याख्यान जो है डॉक्टर साहब ने हमें परिचित करवाए। तो आज हमारे जो है मेहमान जो विशिष्ट हैं, चीफ गेस्ट आज के दिन के हैं श्रीमान कुलदीप जी शर्मा साहब और एडिशनल जस्टिस जज हैं हाईकोर्ट और राजस्थान से। और आज हमारे इस आतिथ्य को स्वीकार करके आपने हमें अनुग्रह किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जज साहब का जिस तरह से सामाजिक जीवन के अंदर सक्रियता से योगदान है और सहयोग है, तो निश्चित रूप से आज का व्याख्यान भी हमें आशा है कि वो हमें नए मार्गदर्शन देगा और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप के अंदर उनको भी कुछ चीज़ें ऐसी आज जानने को मिलेगी जो निश्चित रूप से कार्यकाल के अंदर और हमारे खुद के स्वयं के निजी जीवन के अंदर भी उपयोगी होगी। मैं डॉक्टर हितेश जानी जी का परिचय दो या तीन शब्दों में तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक पूरा ब्रह्मांड है जो हमारे साथ 7 दिनों के अंदर एक श्रृंखला के अंदर प्रस्तुत हुआ है। और आप प्रधानाचार्य रह चुके हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के और जामनगर से, और पिछले 35 वर्षों से जो है इस आयुर्विज्ञान पंचगव गोकर्ण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 23 देशों के विद्यार्थी जो है आपसे ज्ञान को ग्रहण करके और संपूर्ण भारत के अलावा विश्व में अलग अलग जगह पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर साहब को, हितेश जानी साहब को, कि आज का विशिष्ट व्याख्यान जो है इस कड़ी का अंतिम सोपान जो है उसकी प्रस्तुति आरंभ करें बिना विलंब के। डॉक्टर हितेश जानी जी साहब, एक बार स्वागत करिए आपका तालियों से, क्योंकि कठिन मौन के पश्चात इस साधना को आरंभ करते हैं और पुनः उसमें चले जाते हैं, तो उस फ्रिक्वेंसी के साथ भी थोड़ा सा शरीर को भी मन के साथ मैच करना पड़ता है। सभी को नमस्कार। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तम नवरात्रि को आप सबको सबको मिलके बहुत खुशी होती है, खास करके आज हमारे जो मेहमान है सम्माननीय जज साहब, तो हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे आपको आपका परिचय होते फिर पता चला कि जब जहांगीर के समय न्याय दिया जाता था तो गाय घंट बजा देती थी, अचानक जाना गया, तो आज एक कुछ घंट बजेगा जो स्वास्थ्य के लिए शायद आपको भी उपयोग में आ जाए। तो मैं शुरू करता हूँ कुछ बिना किए। भारतीय जीवन शैली में गाय का क्या रोल है, क्या महत्व है, पिछले 5-6 दिन से हम सुनते आ रहे हैं। आज उसकी उस श्रृंखला की अंतिम कड़ी जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि हमारे डे टू डे लाइफ में, खान पान में, रहन सहन में, गाय या आयुर्वेद या हमारी जीवन शैली कितनी ठीक होनी चाहिए, क्या हम गलत कर रहे हैं, कैसे हम भुगत रहे हैं, कौन से परिणाम हमें मिल रहे हैं, ये बात मैं अलग अलग एंगल से तो बता रहा था, लेकिन आज सीधा हमारे स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ गाय का रोल बताने की कोशिश करूँगा और आपके सामने रखूँगा मैं। आज आपको मालूम है सप्तम नवरात्रि जो है वो काल रात्रि है, आज की नवरात्रि की देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, हर दिन एक एक देवी का स्वरूप हमने माना है, जाना है, समझा है। आज सप्तम नवरात्रि को जब हम प्रवेश कर चुके हैं, हम उसकी आराधना शुरू कर रहे हैं, तो हम काल रात्रि को याद करके आगे बढ़े। कालरात्रि के साथ जो वनस्पति जुड़ी है, मैं हर दिन एक वनस्पति आपके सामने रखता हूँ। जो हमारे परंपरा में जो नवरात्रि की पहले दिन तो ब्राह्मी आपको मालूम था, तो उसी तरह से ये सप्तम नवरात्रि की जो वनस्पति है नाग को, हम इसको शायद ज़्यादा वनस्पति जैसे मानते ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारी क्या बोलते हैं जंगल में होता है या बैरिकेड में लगाया जाता है, जैसे मेहंदी लगती है उसी तरह से ये प्लांट लगता है। आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये तो हमारे यहाँ लगता है और सबके गार्डन में लगता है, हम तो इसको नॉन यूज मानते हैं, इसका उपयोग ही नहीं समझते। तो आज जो है नागदौन, इसके बाद अब जल जमने भी उसको कहते हैं आगे करेंगे। नागदौन एक ऐसी वनस्पति है, मैं पिछले हर दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि ये शरद ऋतु है, रोगाणाम शारदी माता है,
ये शरद ऋतु रोग की माता है। आप कुछ भी न करो, पूरा दिन अच्छे ढंग से रहो, अच्छे ढंग से खाओ, ध्यान रखो, तो भी आपको बीमारी लग सकती है। ये ऋतु का प्रभाव है। जो ऋतु का प्रभाव भारत जो समझता है, कालचक्र जो घूमता है, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, गोज इट्स डे एंड नाइट, बट इट्स मूविंग अराउंड द सन ऑल्सो। पृथ्वी सिर्फ अपने एक्सिस में घूमती नहीं है, वो सन के अराउंड भी घूमती है। तो गोज इज सीजन, जो सीजन अमेरिका को इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि भूभाग ऐसा बड़ा होते हुए भी वो सूर्य के सामने ऐसा नहीं आता। चाहे वो नासा में जा सकता है, मतलब नासा उसके चंद्र में जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के बाद तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है। लेकिन पृथ्वी में जब हम है, तब उनका जो भूभाग है उसको 7-6 सीजन नसीब नहीं होती। 4 सीजन उसकी कवियों की है, मतलब पोइट्स की। आप किसको अमेरिका में पूछिए कि आज कौन सी सीजन है आपके यहाँ, तो या तो बर्फ गिरे भी या नहीं गिरे, बस इतना ही है, वहाँ सीजन नहीं है। तो भारत में ही 6 सीजन है, हम खुद महसूस करते हैं। ऋषि मुनियों ने वो जाना था, उनकी इम्पैक्ट जो बॉडी के ऊपर पड़ती है उसके हिसाब से वात पित्त कफ बनता है, उसके हिसाब से खान पान होता है, उसके हिसाब से उत्सव होता है। तो ये पित्त की ऋतु है, रोगाणाम सारदी माता, शरद ऋतु है रोग की माता है। और वेदों ने तो उसको बोला यमद्रंष्टा, यम की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। रोग जो बताया आपको याद दिलाने के लिए फिर से सिर्फ कहता हूँ, और सर के लिए खास, कि बीपी इस ऋतु में बढ़ सकता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तिरछी किरणें आएगी सूरज की, तो हमारा ब्लड खोलता है, खून खोलता है, तो बीपी बढ़ सकता है, पैरालिसिस होता है, साइकोलॉजिकल ट्रोमा डेवलप होता है, खून के रोग जैसे महिलाओं के लिए खास मेट्रोलेजिया और मासिक संबंधी बहुत से रोग, महावारी संबंधी, और उसी तरह से स्किन के साथ ब्लड जुड़ा है तो स्किन डिजीज, सोरियासिस और बाकी ऐसे बहुत से डिजीज इस समय निकलते हैं। तो ये उसको शांत करने के लिए आपको हर वनस्पति जो लगभग मिलती है या उसका प्रसाद होता है उसके सामने मधुर होगा या शीत होगा, ऐसा ऐसा होता है। तो ये नागदोन है वो पित्त सामक है। आगे चलेंगे, जो महिलाओं के मासिक जोड़न जो दिक्कत होती है इस ऋतु में ज़्यादा हो सकती है, और परमानेंट यूट्रस में जो फाइब्रोसिस होता है इसी ऋतु में ज़्यादा होता है, आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये पेशाब में जलन है, हाथ पाँव में जलन है, कहीं भी जलन है, आंखों में जलन है, तो मेट्रोनेजिया है, बर्निंग मिचुरेशन है, जैसा भी जिसमें पित्त जुड़ा रहता है उसके लिए ये वनस्पति बहुत उपयोगी है। आज माता जी को हम रात को भोग लगा सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं आज रात के नमः, गुड़ का भोग आज माता जी को लगता है हर दिन का, कल जो शहद था तो आज माँ को गुड़ का भोग लगता है और हम उसकी उपासना कर सकते हैं, करनी चाहिए। आगे चलो, आज बापू का जन्मदिन भी है, और महात्मा गांधी कौन सा विषय पे कुछ नहीं कह गए वो भी ढूंढना एक मुश्किल है। उसने हेल्थ के बारे में, गाय के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, जो विषय हमको लगते हैं उसकी मैं बात करता हूँ, वो स्वराज की बात करते थे, खादी की बात करते थे, वो करता है आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो गौमूत्र, गाय की हिंसा रोकने के लिए कानून बनाना हो, या गाय के दूध की उपयोगिता, हेल्थ के बारे में, और खास करके वो तो मेडिसिन में मानते ही नहीं थे, वो तो कहते थे कि भाई बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी पानी और हवा, इससे ही मिट्टी पानी जल और हवा, इससे ही चिकित्सा करें, जिसको फिर आगे जाके मुरली कंचन में और बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर्स खुले। ठीक है, आज उन सब की नेचुरोपैथी सेंटर्स की हालत वेस्टर्नाइज हो गई है, बड़ी बड़ी महंगी चिकित्सा उसमें होने लगी है। वास्तव में गांधी जी कहते हैं मैं तो देश गरीब का प्रतिनिधि हूँ, और प्रकृति ने हमको खूब दिया है, उसके ऊपर बहुत लिखा है, उसमें आपको कल्पना नहीं होगी कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत लिखा है, नवजीवन में, हरिजन बंधु में, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज, अंग्रेजों के सामने क्या लड़ाई करनी है, या देश का अभी क्या इश्यू है, हरिजन उद्धार क्या इश्यू है, वो लिखते के साथ में एक कुछ तो हेल्थ के बारे में भी लिखेंगे, वो लिखते थे। उसका कलेक्शन देखिए तो पता चलेगा कि इतने ग्रंथ बन सकते हैं हेल्थ के बारे में। तो 2 अक्टूबर को उस महामार्मिक को हम हेल्थ के लिए भी याद करके हम आगे बढ़े। तो हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए हम आज चर्चा करेंगे। देखो, सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोविड 2,
कोविड के ऐसे वेरिएंट, फिर अब होने वाला है अभी गाय को लंपी आया, फिर हमारे देश के बहुत बड़े लोगों ने बता दिया लंपी का भी हमने वैक्सीन ढूंढ लिया। ये जो बातें हैं ना, कभी कभी छोटी छोटी चीज सोचनी है, टुकड़े में सोचना तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत बड़ा कर लिया। लंबी में हजारों गाय मर गई, उसके बाद हम कहते हैं कि हमने उसका वायरस बना, उसका वैक्सीन बना लिया। लेकिन वैक्सीन का कितना उपयोग है या वैक्सीन से लंबी ठीक होता है कि क्या, उसके ऊपर की डिबेट आपने कभी पढ़ी है? शायद आपका विषय नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं ले जाऊंगा। फिर भी हम ऐसे ही रोगों से फंसते ही रहते। मैंने कल बताया था, आज मैं बार बार बताऊंगा, याद दिलाऊंगा कि पूरी जो मेडिकल सिस्टम है वेस्टर्न की, उसमें दो स्कूल है, एक अमेरिकन स्कूल एक ब्रिटिश स्कूल। ब्रिटिश तो पुराने खिलाड़ी है, लेकिन अमेरिकन स्कूल का दबदबा है पूरे विश्व में। अमेरिकन स्कूल कहता है कि इंश्योरेंस बेस्ड मेडिकल सिस्टम चाहिए। हमको भी मिल गया कि 5 लाख तक आपका कितना भी खराब हो जाए, हार्ट बदल देंगे, घुटने बदल देंगे, ये कर देंगे, आप बीमार पड़ो कोई चिंता नहीं, बीमार पड़ो आपको पैसा देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल अमेरिकन बोल रहे हैं, उन्होंने डिक्टेट किया है हमको ये बनाने के लिए। आपको मालूम है मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया जब नहीं है और मिलता है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने कल्याण राज्य के लिए अच्छा ही किया। उसका दूसरा पक्ष चलिए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी सोच ही क्यों? क्योंकि वो फार्मा सेंट्रिक मेडिकल सिस्टम है। वहां फार्मेसी को क्या फायदा होगा, फार्मेसी उसको कैसे हैंडल करेगी? फार्मेसी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री मिलके वहां की पूरी मेडिकल सिस्टम चलाते हैं। ब्रिटिश मॉडल है वो गवर्नमेंट सिस्टम करती है, आपको 6-6 महीने तक आपको, एक तो प्राइवेट परवड़ता नहीं उधर, यहाँ तो प्राइवेट बहुत सस्ता है। भारत में आपको लगता है कि साल स्टर्लिंग अपोलो ये इतना महंगा नहीं है जितना यूके में महंगा है। परवड़े के दांत दुखता है तो लोग प्लेन में अहमदाबाद आते हैं लंदन से, हमारे गुजराती लोग हैं, बाकी लोग दांत को ट्रीटमेंट करा के वापस चले जाते हैं, तो भी सस्ते में पड़ता है। परिवार वालों को मिल लिया, दो आने जाने के टिकट हो गए, किसी के शादी ब्याह पार्टी में अटेंडेंस कर दी, दांत की ट्रीटमेंट हो गई, वहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, और मिलती तो इतनी महंगी मिलती है, मतलब इतना खर्चा करना पड़ता है। इसलिए मैं तो भारत में ये बड़ी हॉस्पिटल की बात करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नहीं। तो भारत में ना तो सरकारी है ना प्राइवेट है, किसी का नियंत्रण भी नहीं है, और इतनी जबरदस्त क्योस है जो मैं उस क्योस को भारत तो ऐसे भी हैंडल कर सकता था, कर सकता है, लेकिन ये अमेरिकन मॉडल अभी हावी है, भारत के ऊपर भी हावी है, भारत को रदर डिक्टेट कर रहा है। और ये आगे जाके आपको बहुत बहुत नया पैंडेमिक आने वाला है, इस पैंडेमिक कभी भी आ सकता है, हम इसके लिए कैसे तैयार रहेंगे, और पैंडेमिक न भी आए तो क्या चल रहा है वो आपको परिदृश्य देखना पड़ेगा आगे। देखो उदयपुर में कितनी पहले हॉस्पिटल थी, कितने मेडिकल सेंटर थे, कितने मेडिकल स्टोर थे, आज से 25 साल पहले 50 साल पहले कितने नर्सिंग कॉलेज थी भारत में, कितनी दवाई बनती थी। आज तो सब में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, 1150 मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट सब मिला, 1150 मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज अलग, होम्योपैथी कॉलेज अलग, मतलब डॉक्टर ही बनना है और किसी को कुछ बनना ही नहीं है। मुश्किल से कोई माता पिता अपने बच्चे को और कुछ बनाना चाहता है, सबको वही होड़ लगी है डॉक्टर बननी है, सब नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप कुछ नहीं पढ़े लेकिन नीट के क्लासेस लगा लो सलमान खान की तरह, तो आप ऐसे बात हो, खुद कितना पढ़ा है पता नहीं, लेकिन भाई जो उसकी वो एडवर्टाइजमेंट करता है, क्योंकि उसमें भी पैसा है ना, इंडस्ट्री खोलो ही, एजुकेशन इज नाउ इंडस्ट्री। तो ये सबको डॉक्टर बनने के लिए इतना प्रेरित कर रहे हैं, हो गए, लेकिन हॉस्पिटल बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, रिसर्च बढ़े, दवाइयाँ बढ़ी, फार्मा कंपनी बढ़ी, तो रोग क्यों बढ़े, इसी को तो सोचना चाहिए। तो ये सबसे तो रोग कम होना चाहिए, स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा है, तो परिदृश्य से कुछ गलत है। कभी तो रुक के नवरात्रि में शादी ऐसे सोचने का ही, इसलिए मानव अखल उत्सव प्रिय, उत्सव में कुछ अच्छा सोचने का भी मौका मिलता है, क्योंकि वायुमंडल थोड़ा पवित्र होता है, हमारा मन थोड़ा अलग ढंग से सोचने के लिए तैयार हो जाता है। तो हेल्थ की जो गाड़ी है, ट्रेन है, कोई अलग पटरी पे तो नहीं जा रही है, दूसरे लोग सोचे ना सोचे भारत को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था,
वो तो आप भी जानते हैं, मैं उसको सिर्फ आपकी ओर से बोलने वाला हूँ। तो हमारी लाइफ स्टाइल है मिसमैच। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड नहीं होने वाला, क्योंकि हम खुद लोग एटम लेके घूम रहे हैं, एटम बॉम्ब लेके। हमारे डीएनए में एटम बॉम्ब है, हमारे खाने की वजह से, पीने की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो आपके डीएनए को कितना खतरनाक कर रही है। एक दो एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये कोई कोविड से होने वाला कैंसर नहीं, कोविड के वायरस या कोई भी वायरस से कैंसर नहीं होता, कोई भी बैक्टीरिया से कैंसर नहीं होता। थायराइड के लिए कोई बैक्टीरिया नहीं चाहिए, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। डायबिटीज करने के लिए कोई जीवाणु नहीं चाहिए। तो डायबिटीज, कैंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म ये सब कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? कोई बैक्टीरिया वायरस से कोई फैला नहीं। तो सबका रूट कॉज है वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। तो उनको भी नहीं मालूम कि उनकी लाइफ स्टाइल ठीक है कि नहीं, वो बताएगा तो भारत बताएगा, लेकिन बताने वाला भारत को खुद जाने कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे फंस गए, आगे चलेंगे। देखो जो लीडिंग कॉज है डेथ के, जितने भी टोटल कॉज है उसमें से कितने परसेंटेज हार्ट अटैक से मरते हैं, डायबिटीज, अस्थमा, लंग डिजीज, तो और बाकी है तो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, जिसमें कुछ नहीं है लेकिन रोड एक्सीडेंट है। तो मरने वाले लोग हैं वो लाइफ स्टाइल से मर रहे ज्यादा, ऐसा नहीं कि वो डायरिया से मर गए है। पर गाँव में शुद्ध पानी नहीं मिलता, गाँव में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहाँ डायरिया से बच्चे मर रहे हैं। लेकिन जो हम एलिट क्लास है, शहरों के लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो ज्यादा इस रोग से ग्रसित है। ये मेरा फिगर नहीं है, ये WHO का फिगर है। आगे चलेंगे। देखिए आपके घर में ना हो लेकिन बहुत से घरों में, मेट्रो में तो यही है कि माँ कौन है बेटी कौन है, लगा दोनों ऐसे हो, सबको एक्स्ट्रा लार्ज साइज के बनियान चाहिए, टी शर्ट चाहिए, ड्रेस वेयर, अंडरवेयर, सब माँ बेटी ऐसी लगती है। बेटी का पता नहीं चलता, बचपन से वो मोटी हो रही है, बचपन से उसको पीसी हो रही है। ये धीरे धीरे आपके सामने, आपके घरों में, आपके घर तक दस्तक दे चुका है, आप जरा चेक करिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, या मेरे मन में ये बात नहीं है। जब मैं बता रहा हूँ तब आप किसी को रोक सकते हो, किसी को बता सकते हो कि ये आपके घर में आ चुका है, और जो जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं जहाँ चलना ही नहीं। एग्जैक्टली सही है सब। तो इस तरह से उसी माँ की जैसी हालत बैठी है, तो बेटा भी अब ऐसे ही मोटा आ रहा है, आएगा धीरे धीरे। पिता का डीएनए कुछ स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है अमुक चीज में, लेकिन अब 10 साल के बाद महिलाओं को जो विकृति हुई वो पुरुषों में, आज 20-25% पुरुष का, यंग पुरुष यानी यंग का, जिसको ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है, नपुंसकता है, ये बहुत फटा कटा दिखता है, लंबा दिखता है, बच्चा नहीं होगा। आगे चलेंगे। अभी मैं टाइम मैगजीन का एक इश्यू, जिन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम के बारे में यानी अमेरिका ने, और आंकड़े जो दिए हैं US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट के ही आंकड़े, कि उनका पॉपुलेशन है वो कितना ओबेस है, और उस ओबेसिटी तो है लेकिन उसमें से 25% आज क्लिनिकली ओबेस, यानी कि उसको कोई बीमारी है, ओबेसिटी से नहीं है। ओबेसिटी तो सुमो पहलवान को भी होती है, 300 kg का सुमो होता है लेकिन वो तो लड़ाई करता है, उसको कोई रोग नहीं होता। वजन बढ़ना वो सिर्फ वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्लिनिकली ओबेस है। ये अमेरिका खुद अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। ये मैं आपको ताज्जुब होगा ये बता रहा हूँ, आप मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने रेफरेंस भी दिया है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल वर्ल्ड के दो प्रेस्टिजियस मैगजीन है, जो जिसको आपको मानना ही पड़ता है, एक है लैंसेट और दूसरा होता है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में 14 नोबेल लॉरेट लोग हैं, मतलब सिंपल डॉक्टर्स नहीं है, उसके एडिटर जो है, उन्होंने तय किया कि भाई ये तो कैसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं हम, इतनी सिस्टम हमने बना ली, तो ये रोग को पहले हम अंदाज करें कि भाई रोग है क्या, कितने हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड सर्वे करवाया, उसमें से आप देखना
ये इमरजेंसी मेडिसिन किसको है? जरूरत है 10% को सिर्फ। 100 लोग अगर रोगी है तो उसमें से जिसको अभी खून चढ़ाना है, अभी उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, अभी उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसे 100 में से सिर्फ 10% जिसमें सास, स्टर्लिंग, एम्स, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो लगती है, वो सिर्फ 10% के लिए चाहिए। अब देखिए माइनर इलनेस सिंड्रोम, जुकाम, सर्दी, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे छोटी मोटी बीमारी है, वो 35% है। अब लेकिन जो बड़ी आपको मैं परसों मैंने याद दिला था कि मैं बताऊंगा, तो डॉक्टर थे कि वो हमें डिजीज, डॉक्टर को लगा मुझे डिजीज है, अब चेक कराओ, है नहीं उसको डिजीज नहीं है, डॉक्टर कर देता है बातचीत करते करते, डॉक्टर को लगता है कि इसका ठीक नहीं है, वो प्रकृति उसकी ठीक है। कभी कभी तो खुद को लगता है कि डॉक्टर सी माय नोज आई हैव अ डिजीज, 15 और 10% तो ऐसे लोग हैं जो बीमारी नहीं है, लेकिन दूसरे की व्याख्या से, दूसरे के मानने से, दूसरे के आकलन से या खुद के गलत आकलन से अपने को मरीज बना के दवा खा रहा, दवाई खा रहा, ऐसा नहीं कि ये सब पेशेंट का रिकॉर्ड है। फिर न्योप्लासिस जो है जिसमें कुछ काम नहीं है, कुछ ऐसी अव्यवस्था व्यवस्था है, जो लोग ऐसे हैं जिसमें आयुर्वेद भी कहता है वो कष्ट साध्य है, या तो याप्य है या तो असाध्य है, और एलोपैथी तो वो हाथ फैल के बैठ लेती है कि भाई अब कैंसर है, ठीक नहीं होगा। तो ऐसे भी 10% होते हैं जिसमें आप ट्रीट नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस तो खुला बोलता है, आयुर्वेद वाले कभी कभी नाटक करते हैं, खुला नहीं बोलते, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, और मरीज तो है जो जिंदगी बचाना चाहता है, और वैद्य का भी कर्तव्य है कि जहाँ तक वो हो सके मदद करे, लेकिन किसी को, पेरेंट्स को या किसी को, फैमिली मेम्बर को तो बता देना चाहिए कि देखो मैं आपके तसल्ली के लिए, और शायद उसका आयुष्य है और मेरी चिकित्सा कारगर हो जाएगी तो बचेगा, बाकी नहीं बच सकता, ऐसा आपको तो पता चल जाना चाहिए चाहता है तो। लेकिन ऐसे परसेंटेज 10 है। और क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज, आपके बाल झड़ गए, बाल सफ़ेद हो गए, उसकी क्या ट्रीटमेंट है? लेकिन लोग कर रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम से। आपके घुटने घिस गए, कहते हैं नी रिप्लेसमेंट, जिसका इलाज नहीं है एक्चुअली। आपकी जुर्री पड़ गई, अब वो आपको मालूम होना चाहिए, उसको अवस्था कहते हैं, वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था, शिशु, बाल, तरुण, युवा, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो अवस्था को आप स्वीकारो, वो नहीं स्वीकारते हम, और तो भी उसको डिजीज का एक ग्रुप दिया गया, चलो मान लो कि घुटने किस गए, तो उस प्रति हमारी बिल्कुल सिंपल अर्ज है, आपको रिप्लेसमेंट सर्जरी टेक्नोलॉजी। और आइक्रोजेनिक डिजीज, ये देखिए डॉक्टर जो डिजीज पैदा कर देता है, सर्जरी में गलती करता है, ट्रीटमेंट में गलती करता है, डायग्नोसिस में गलती करता है, और मरीज को जिसको आयुर्वेद ने बोला व्याधि उपरी हो, व्याधि बहुत ही उत्तर काल है, एक व्याधि के ऊपर दूसरा व्याधि कर दिया। आप चिकित्सा करते करते आपको ये ध्यान रखना है, वैद्य के लिए चेतावनी है ऋषियों की, तो देखो आप चिकित्सा करते हो तो आप दूसरा रोग मत करते, आप वो ठीक न कर सकते तो बोल दे आई एम नॉट एबल टू ट्रीट। तो ये डॉक्टर ये भी है, ये 100 में से ये फिगर है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हेल्थ की हालत क्या है। और वो हितेश भाई जारी नहीं कहता, आयुर्वेद जारी नहीं कहता, वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस मैगजीन रिपोर्ट तैयार करके, सर्वे करके ये बताता है। तो वास्तव में आप कौन से फील्ड में आते हो, या चिकित्सा किसकी करनी है, चिकित्सा का रोल कितना है, जितना बड़ा है वो बना के खड़ा रह गए, हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, आगे चलेंगे। तो प्रॉब्लम है हमारी लाइफस्टाइल। देखो जापान गवर्नमेंट ने ये 22 दिसंबर तक एक डिसीजन लिया है कि 22 दिसंबर तक हम जितने पब्लिक प्लेस है वहां से माइक्रोवेव हटा लेंगे। मोबाइल, माइक्रोवेव, मॉनिटर, ये तीन इतनी खतरनाक चीज है। जापान को पता चल गया कि माइक्रोवेव, ये सिर्फ माइक्रोवेव नहीं और भी है, जो हमारे डीएनए में चेंज कर देता है। हम तो कहीं भी होटल में किसी की, और कोई घर ऐसा नहीं डेवलप कर जिसमें माइक्रोवेव नहीं है, मोबाइल नहीं है, मॉनिटर नहीं है। अगर यूज भी करना है तो कैसे करना है? इसलिए पब्लिक प्लेस में से जापान गवर्नमेंट ने सोच लिया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन भारत में तो पता ही नहीं, ना मॉनिटर या मोबाइल या माइक्रोवेव बेचने वाले को, ना जो महिला चाह से अपने को डेवलप बताने के लिए बाजू वाली महिला को बता मेरे घर तो माइक्रोवेव आ गया। तो हमारी खाना बनाने की पद्धति, रहने की पद्धति, हमारा जीना, खाना पीना, रहना, मैं कुछ उसमें से आपके सामने
एग्जाम्पल रखूंगा, उसके पहले वाकई में क्या होना चाहिए, उसकी सोच क्या है, वो जरा आगे देखेंगे। पुरानी एक कहानी आपको भी सुनाता, भगवान धनवंतरी आरोग्य के देवता और वो फिर काशीराज धनवंतरी को, काशीराज जो काशी का राजा था उसका भी नाम धनवंतरी है, एक जो भगवान समुद्र मंथन में निकले वो भी भगवान धनवंतरी, लेकिन काशीराज वो भी धनवंतरी नाम से पॉपुलर हुए क्योंकि उसको सरस्वती की विद्या उन्होंने सिखाई, फिर उसके सुश्रुत हुए शिष्य तो। और वो दूसरी एक स्कूल है, मेडिकल स्कूल है, जहाँ आत्रेय और अग्निवेश फिर चरक ऐसे, तो चरक और सुश्रुत हमारे देश के सर्जरी और मेडिसिन के आइकॉन। उसके बाद फिर चले वाकपट, तो वाकपट के समय क्योंकि रिसर्च होता रहा, डेवलपमेंट होता रहा, रोग के कुछ नए आए, रोग को ट्रीट करने के लिए कुछ नई व्यवस्था सोचने लगे वैद्य, ये बहुत पुराणकालीन बात मैं कर रहा हूँ। तो भगवान धनवंतरी को इच्छा हुई कि जैसा हमने सोचा था, जो स्कूल हमने चलाई थी, जो कॉन्सेप्ट, जो ज्ञान, जो व्यवस्था लोगों को ठीक करने के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए हमने बताई, ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं, और आयुर्वेद का जो गोल है जो बाद में इसके बाद थोड़ी देर के बाद आने वाला है, वो हमारे वैद्य याद रखते हैं कि वैद्य भी कुछ गलत में पड़ा है। तो उन्हें कौए का एक स्वरूप दिया धनवंतरी भगवान ने, कौवा बने क्रोध, और एक वैद्य जहाँ प्रैक्टिस करता था, अच्छा क्लिनिक था, क्लिनिक के पास जो उसका आंगन में पेड़ था, उस पेड़ पर आकर कोरुक 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 ऐसे बोलने लगा, भाई तो कुछ बोल रहा है पक्षी, तो वैद्य का तो ध्यान भी नहीं गया, ऐसे पक्षी तो उड़ते रहते हो, तो ललित था मगन था चिकित्सा में, दूसरे मरीज को भी देखना था, बाहर लंबी लाइन खड़ी थी, भगवान को लगा कि ठीक है ये तो अच्छा प्रैक्टिशनर है, चलो मैं जो चाहता हूँ मुझे और कहीं मिलेगा दूसरी जगह पर, कोरुक 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 ध्यान नहीं थी, तीसरी जगह पर गया, ये लगा कि वाकपट स्कूल के पास जाऊँ करो, शायद जो लेटेस्ट आयुर्वेद उसने कुछ चेंज किया या ऐसा ही उसने कर दिया है। तो वाकपट स्कूल में पक्षी गया तो कोरुक 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 ऐसा आवाज दी, वैद्य का तुरंत ध्यान दिया कि कोई पक्षी आया है, जरा देखो बच्चे, तो चना दाना कुछ चाहिए ऐसा दे दो। तो धनवंतरी जी को लगा कि नहीं उसका ध्यान तो गया है कुछ सुन रहा है, लेकिन वो मुझे तो जो चाहिए वो नहीं दिया, मुझे तो वो दाना दे दिया। फिर एक कोई वैद्य था जिसका पैसा कम थे, लेकिन उसके आगे चलो यहाँ पैसा तो नहीं है कम है, और बातें कर रहा है नाड़ी देख के बिना, नाड़ी देख के बाद बात कर रहा है, दवाई कम है पैसन कम है, वहाँ फिर उधर आवाज लगाई कोरुक कोरुक कोरुक, एकदम चमकी आवाज, शिष्य उधर बैठे थे, शिष्य भी कम थे पैसन भी कम थे, क्योंकि ऐसे कोई टीचर के पास कौन बैठेंगे जो आपको अभी समझ में आ रहा है। लेकिन वैद्य का तुरंत ध्यान गया और उनके शिष्यों को बोला कि देखो ये क्या कह रहा है पक्षी, तो बच्चे भी स्मार्ट थे, स्टूडेंट्स और वेरी स्मार्ट, सर ये तो पूछ रहे हैं क और रुक, क यानी कौन और यानी नहीं, रुक यानी रोगी, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं होता, आप उसको दूसरा समझिए, कौन रोगी नहीं बनेगा, कौन रोगी नहीं बनेगा। तो गुरु ने बताया बताओ जवाब दो, तो शिष्य भी स्मार्ट थे तो बताए सौ रुक सौ रुक सौ रुक, प्रश्न में दूसरा जवाब दिया उसने, थोड़ा प्रश्न दे सका था कि सौ अरु वो रोगी नहीं है, वो रोग स यानी वो रोगी नहीं है, वो रोगी नहीं है, वो रोगी नहीं है, पूछ रहा है ये चिड़िया कि कौन रोगी नहीं है, तो ये बच्चे बोल रहे हैं वैद्य के स्टूडेंट कि वो रोगी नहीं है, वो रोगी नहीं है, वो रोगी नहीं है। तो फिर धनंजय को लगा कि ये कुछ जानते हैं, ये सीधा नहीं बोलेंगे, फिर से बोला कोरु कोरु, तो फिर गुरु ने आदेश दिया कि आप बताओ, तो सब बच्चे एक साथ बोले हितभू वितभू ऋतभू, जो हितकारक भोजन करता है वो बीमार नहीं होता, जो मिताहारी है दो नेवला टू बाइट्स कम खाता है डेली वो बीमार नहीं होता, और ऋतभू यानी ऋतु के अनुसार खाता है वो बीमार नहीं होता। भगवान धनवंतरी बहुत खुश हो गए कि चलो यही तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण के लिए यही विद्या मैंने फैलाई थी, बीमार नहीं होने के लिए तो आयुर्वेद है,
जो आपके बहुत चर्चा करूंगा, लेकिन भारत ये है, भारत की सोच ये है, पेशेंट सेंट्रिक हमारी व्यवस्था है या व्यक्ति सेंट्रिक, कि भाई हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे पत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, कोई बीमार ना हो ये हमारा सूत्र है। तो भाई तो यही बोलेगा ना, मैं जब मेरे गुरु जी को प्रणाम करने के लिए गुरु पूर्णिमा को जाता था तो प्रणाम कर दो तो बोलते थे कि मैं तुझे ऐसे तो कैसे आशीर्वाद दूँ कि तेरा धन धान्य भरा रहे, तेरा क्लिनिक बहुत जोर से चले। इसका मतलब कि मैं एक गुरुओं के लिए मानता हूँ कि बहुत मरीज हो जाए पृथ्वी के ऊपर जामनगर में, तो मुझे तो जब गुरु वैद्य गुरु जब आशीर्वाद देते हैं तो बस सोच के देना पड़ता है। माता पिता भी वो कहता है कि सतम जीव शरद तो लंबा जीव, क्योंकि मैं मुझे याद है मेरे पिताजी को जब मैं डॉक्टर बना पहले ही दिन, तो उस समय तो ये मोबाइल नहीं था, घर में भी फ़ोन नहीं था, एक मास्टर था अपने बेटा, और ये बात करता हूँ 35 साल पहले की जब मैं डॉक्टर बना, तो वो फोन करना पड़ता था वहाँ पोस्ट ऑफिस जाके, फिर वो बुलाते थे और वो आते थे, तो 4-5 घंटा पोस्ट ऑफिस में बैठना पड़ता है। मैंने पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने पास हो गया, डॉक्टर बन गया, वो खुशी किससे में, हमारी माँ तो बचपन से मर गई थी, तो एक पिता को खुश करना था जिसका वो सपना था, तो मैंने प्रणाम किया। तो उसने बोला, क्या बोला सुनना, वो वैद्यराज, आज से तो वैद्यराज हो गया, वो वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तुझे नमस्कार हो। मेरे पिताजी ने नमस्कार किया, हुए मैं ये नमस्कार इसलिए कहता हूँ, यमराज सहोदर, आज से तुम यमराज का सगा भाई हो गए, लेकिन तुम यमराज से भी बड़े हो, यमस्तु हरति प्राण, यम तो सिर्फ प्राण लेता है, तुम प्राणम च धनं, तुम प्राण भी तेरे पास से जाएगा, धन भी तेरे पास आएगा, तो वो आदमी का जाएगा, तो तुम यमराज का सगा भाई हो गया, आज से तेरी बड़ी पृथ्वी पे नामना होगी। पर वो याद दिलाया कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे रहूं, मेरे इस प्रोफेसर में मुझे क्या याद रखना है, वो मेरे माता पिता दादा हमारे सबके पुरखे ये कहते थे, तो भगवान धनवंतरी वही चाहते थे। तो कुछ बातें जो हमारे बेसिक खान पान में आ गई है, कॉफी सैंडविच आगे चल, ये यंगस्टर्स है तो मुझे देखो, दूध और फल साथ में नहीं दे सकते, इतनी गलत फहमियां है कि बात मत पूछो, दूध भी साथ में गए, गाय का दूध और फल भी साथ में गए, लेकिन दोनों साथ नहीं रह सकते, और खास करके खट्टे फल, जिसका मूल खट्टा होता है, बाद में मीठे हो जाते हैं, पाइन एप्पल पहले खट्टा होता है मीठा होता है, मौसम्बी ऑरेंज पहले खट्टी होती है, बाद में जब हम फ्रूट फ्रूट में खाते तब मीठी लगती है, लेकिन उसमें तो एक सावरिंग एक टेस्ट होता है और वो होता ही। केला खा सकते हो दूध के साथ, चीकू खा सकते हो, लेकिन बाकी और फ्रूट ज़्यादातर खट्टे मीठे ही होते हैं, खट्टे यानी खट्टे नहीं होंगे, लेकिन जिसका मूल जन्म खट्टे में से होता है, केला का भी खट्टा होता है पहले से, देखिए चीकू का भी खट्टा नहीं होता, लेकिन अमरूद है, तो दूध के साथ आप दूध भी सात्विक है, फल भी सात्विक है, लेकिन दूध के साथ तेल लेते हैं, पूरी दूध सब्जी दूध हो ही नहीं सकता, तेल के साथ विरुद्ध है। कुछ गांव के लोग या बाकी लोग जानते हैं कि प्याज और दूध नहीं खाते, इतना बहुत देश में थोड़ा मालूम है, नमक और दूध, तेल और दूध, कुछ ऐसी चीज़ें दूध के साथ नहीं खा सकते, तो लेकिन ये तो हम फ्रूट सलाड बना के बड़ी चाह से पुडिंग में डेजर्ट में खाते हैं, पता नहीं है। आगे चलेंगे, मफिन और जूस, अगर कहता है कि फल को बंदर की तरह खाओ, काट के भी मत खाओ, जूस तो पियो ही नहीं, आश्चर्य लगता है लोगों को कि जूस नहीं पीना, अरे जूस नहीं, फल ही खाना है तो जूस आ जाएगा ना, जूस अपने अंदर पैदा करो, जूस कल्पना आयरन के हिसाब से बहुत ना पचने वाली समस्या हो जाती है उसमें, ये नहीं मालूम कि लगता है जूस सबसे हल्का है, ऐसा नहीं, लेकिन फल के साथ फाइबर के साथ वो पूरा वो जाएगा तो ही काम करेगा। और अगर आपने कोई भी मफिन है या क्या बोलते हैं जो अलग अलग बेकरी के आइटम है, पेस्ट्री है, नान खटाई है, उसके साथ लिया आपने, तो ये 24 घंटा 48 घंटा तक पचेगा नहीं। एक जहर है, दूसरा जहर फ्री में आएगा, स्कीम में आएगा। रेसिपी अमेरिका में बनी, अंकल पिज्जा कहां से बन के आया, किससे बना, उसमें प्रिजर्वेटिव क्या डाला गया,
डोपिंग में क्या है, टेस्ट में फिर उसमें क्या डाला गया, नहीं मालूम हमें। हम चार से सिर्फ जीव की वजह से खा रहे हैं, और वो बेचने के लिए दो कंपनियां मिलती हैं, सैम्स पिज्जा, अंकल पिज्जा, यूएस पिज्जा, और साथ में कोक या पेप्सी। दो जहर आप साथ में, खुद भी जहर है, दोनों जहर साथ में पी रहे हैं आज की जनरेशन, क्योंकि फोन से आ जाता है, स्कीम में आ रहा है, पार्टीज में होता है, ट्यूशन क्लासेस के बाहर होता है, कुछ भी चाहोगे तो सीधा ये शुरू कर देते हैं। आज की जनरेशन अगर उसके शुक्राणु की कमी हो रही है तो उसकी वजह ये बड़ी विडम्बना है। आगे चार पांच कर दीजिए। ये जीएम फूड के बारे में मैंने दो तीन दिन पहले बताया था, ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आपके घर में ये अमेरिका ने जिसको अप्रूव किया है, 14 प्रकार के जीएम फूड बीटी फ्रूट और जो आपके घर में, तो उससे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि भारत में कोई नियंत्रण नहीं है। आपके यहां जो फूल गोभी है और पत्ता गोभी है वो अलग कलर की आने लगी है, हालांकि वो अप्रूव नहीं है इंटरनेशनल, उसमें नहीं, हमारे यहाँ ऐसी आ रही है। कैप्सिकम हमारे यहाँ ऑरेंज कलर का आ रहा है, भारत में कोई इसके लिए, ये पूरे डीएनए को खराब करता है। कभी कभी मैं कहता हूँ जैसे क्रैप हम खाते हैं, द्राक्ष, सीडलेस द्राक्ष, अरे सीडलेस आपको सीडलेस कर देगी, क्योंकि वो सीडलेस इज अ जीएम फूड। भारत में तो उसका बहुत बड़ा चलन है, पूरा नासिक बेल्ट, महाराष्ट्र से लेके कोंकण तक वाइनरी भी है, द्राक्ष भी है, पूरे देश में अंगूर तो खाई जाती है, और अंगूर बीज वाले अंगूर तो खा सकते हो, अंगूर तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अंगूर बीज के बिना कर दी, सीडलेस कर दी। और इतनी जो सीनियर लोग इधर बैठे मुझे एंडोर्स करिए कि पहले इतनी मीठी आती थी, अंगूर कितनी भी मीठी हो, इतनी मीठी नहीं जितनी आज मीठी आ रही है। पहले खरबूजा, तरबूज या वाटरमेलन इतना लाल और इतना मीठा नहीं आता था जितना आज आ रहा है। कैसे पकाया जाता है, आपके घर की एक एक आइटम आपका 70% ग्रेन फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो जीएम फूड है। हम खतरनाक एरिया में फंस चुके हैं, हमें पता ही नहीं है, डॉक्टर को नहीं पता ना, डॉक्टर तो मेडिसिन जो उसका कंपनी वाला बोलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या जेनेटिक मॉडिफाइड होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी क्या होता है, वो तो जेनेटिक साइंटिस्ट जानता है। इसमें या कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्रकार, इसको पता नहीं होता, ये भारत को नहीं पता है। आगे चलेंगे, या आज तो महिला नहीं है कोई, देखिए चार से नॉन स्टिक में खाना पकाते हैं, हमारे नॉन स्टिक पैन होता है, हमारे इतने बर्तन घर में आ गए हैं। ऐसे अब नॉन स्टिक में तो टेफ्लॉन कोटिंग होता है, टेफ्लॉन ब्रेन कैंसर करता है। हमारे यहाँ तो परीक्षा होती थी, शायद सीनियर लोग को मालूम होगा, महिला तो नहीं है, लेकिन अगर बहू की परीक्षा करनी है, यानी कि भावी बहू की, बहू जानती है कितना, तो उससे हम करवाते थे मीठा मुडला, आप क्या बोलते पता नहीं, गेहूँ के रोट का मीठा मीठा मुडला, तो तवे को बनाते हैं, मीठी चीज है जो अगर उसका ग्रेवी तो चिपकेगा, तो बिना चिपके पका देगी, पापड़ बिना जले पका देगी, और हलवा का जो है वो बिना बर्फू आए कर देगी, तो उसको हर रसोई मालूम है। हमारे चिपकता नहीं था, हमको आता था, हम मालपुआ बनाते थे, चिपकता नहीं था, कैसे पकाए हमको मालूम था। नॉन स्टिक आपने किसने किसने बताया नॉन स्टिक की जरूरत है, लोहे में तो हम इसलिए खाते थे कि आयरन सल्फेट मिलता था, हमको वहां से हटा दिया और कैंसर में डाल दिया, पीतल से हटा दिया, कौन से पात्र में पानी पीना, कौन से पात्र में नहीं पीना। दो दिन पहले मैंने छोटू को बताया था कि भाई दही, छाछ, खट्टी चीज, नींबू अब पीतल में मत लाइए, मालूम नहीं, कांसे में भी नहीं ला सकते, कांसे में दूध और घी सबसे अच्छा रहता है, पीतल में ये नहीं ले सकते, घी है तो कांसे में सबसे अच्छा है, रोटी है आपकी कोई भी रोटी के कुछ पकाना है तो या तो लोडी या लोहे की या फिर मिट्टी की, तो कैसे पकाना, अष्टाहार विधि संस्कार हमारे थे, हम जानते थे कि कौन सी चीज को कैसे सुपाच्य बनाना, कैसे उसके गुण में वृद्धि करना, कैसे उसमें रहने वाले दोष को कम करना, वो हमारी विधि थी। लेकिन नॉन स्टिक आ गया, बीबी को करे प्यार, हो ब्रेस्ट से कैसे करें इनका। अब आपकी दाल में चाहे मसूर दाल हो, अरहर दाल हो, मूंग दाल हो, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें भाप में कुकर में, तो आपके साथ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं, प्रोटीन बचेगा, प्रोटीन नहीं जलेगा, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उसमें बोले जाते हैं जिसके लिए हम दाल खाते हैं,
जो सब्जी आप देखिए भी, एक लौकी या जो एकदम हरी कोई भी पालक आप ऐसे ही पकाइए पानी में एक भगोने में, और आप कुकर हो गए वाइट हो जाएंगे, कुकर में से निकालोगे तब आपको वो वाइट दिखेगी, ग्रीन नहीं दिखेगी। उनके जो ग्रीन क्लोरोफिल है वो तो जल ही जाएगा, जो हमको चाहिए आम के लिए। तो ये पता नहीं हमको डेवलपमेंट लगता है, विकास लगता है, सिर्फ वो खत्म हो गया ऐसा ही, और भी क्योंकि वो जो जनरल कुकर के जो इंस्ट्रूमेंट है वो 360 के वो नहीं है, वेसल्स जो केमिकल प्रोसेस नहीं करता। ज़्यादातर तो गाँवों में अब टीन के एल्यूमिनियम के बर्तन आने लगे, जो ब्रिटिश रूल में, जैसे आपको शायद मालूम हो या कहीं पढ़े होंगे, जब महात्मा गांधी को आदमी इसलिए याद करो, महात्मा गांधी के समय और खास करके भगत सिंह और सुखदेव फांसी मिली उसको, उस समय घटना लगी, ब्रिटिशरों को लग गया कि अब ये प्रॉब्लम होगा, ये यहाँ तो गांधी से आज़ादी में देनी पड़ेगी या तो इस क्रांतिकारियों से। अब क्रांतिकारियों को मारने में इनको फांसी तो दे दी, लेकिन पूरा देश कॉल उठा और ब्रिटिश को लगा कि दोनों ने बोला फांसी नहीं देंगे, मारेंगे नहीं क्रांतिकारी को, पकड़ेंगे मारेंगे नहीं, क्योंकि फांसी से तो भारत में हत्या ये बहुत बड़ी वो थी, तो क्या करेंगे उसको मार डालेंगे कैसे धीरे धीरे। तो उन्होंने जेल मैन्यूल में सब मैन्यूल में फर्क किया, जेल मैन्यूल में वो डाल दिया या 1837 ऐसी कोई घटना है उसमें कि आपके बर्तन जितने होंगे जेल में जो रसोई पकने वाले वो एल्यूमिनियम के किए जाएंगे, तो उसमें कितनी खत्म हो जाएगी 4-5-6 साल के बाद। एल्यूमिनियम के बर्तन में दाल बनेगी, सब्जी बनेगा, चावल बनेगा, तो किडनी फेल हो जाएगी, आपका लीवर फेल हो जाएगा। लीवर का आज जो बड़ा प्रॉब्लम है उसका कारण है एसिडिटी की दवाई जो बिना रोके भारत में मिलती है, मैं नाम भी बोलूं क्योंकि मुझे तो कोई विषय लेना देना नहीं है, डाइजिन बहुत पॉपुलर है। डाइजिन टेबलेट या सिरप में क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, वो या तो एनेस्थेसिया कर देता है आपको जलन बंद हो जाती है, लेकिन वो एनेस्थेसिया करने से एसिडिटी या पित्त कम नहीं होता, और वो एनेस्थेसिया कर देगी तो आपको पता नहीं चलेगा आपको वो 6 मिनट 6 सेकंड में गायब, लेकिन वो सिरोसिस ऑफ लीवर करता है। आपके पास तो भी यंग है, आपके पास पैसे नहीं आए, हमारे पास तो ऐसे पैसे आए जिसने 15 साल 10 साल 5 साल ये हाइजीन ही चालू रखी थी, क्योंकि क्या खाने में कम कर देना, क्या ज़्यादा नहीं खाना, और कौन सी ऋतु में क्या खाना, इतना ही सिर्फ पता देने से उसकी एसिडिटी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ स्टाइल। कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, सबको टेबल कुर्सी पर बिठा दिया, कोई भी आदमी खेत में जाना नहीं चाहता, कोई भी आदमी हल चलाना नहीं चाहता क्योंकि उसमें गिल्ट है, मजदूरी नहीं करनी है। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से, मैं तो ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट हूँ, पंचकर्म का एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास जो केस आते हैं लॉ में लंबर वर्टीबर आज किसी की भी ठीक नहीं, और जो कॉर्पोरेट में भी जो एमएनसीज में काम करते हैं उसके सर्वाइकल वर्टीबर ठीक नहीं, और एवरेज भी महिलाओं में भी ये होने लगा है जो काम नहीं करती है उसके भी, क्योंकि पोस्चर ही हमको पता नहीं। एवरेज जो टेबल बनाता है वो सुतार बनाता है 2.5 फुट का, आर्किटेक्ट को कहाँ मालूम, कारपेंटर को कहाँ मालूम कि मेरी हाइट क्या है, मैं कहाँ बैठूंगा, मुझे कौन सी ऑफिस में हैंडल करना है, सर की हाइट अच्छी है तो सर को 2.5 फीट वाला टेबल चाहिए, नहीं तो सर को स्पोंडिलोसिस हो सकता है अगर ज़्यादा समय आपको टेबल पर बैठना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज, लेकिन हमारे यहाँ रूल में नहीं है, मालूम नहीं है। मैंने कितने पेशेंट का सिर्फ एक डेस्कटॉप अलग से बना दिया, उससे उसके स्पोंडिलोसिस ठीक किया जो एलोपैथी डॉक्टर नहीं कर पाए। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर जो आया, बाकी तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स बढ़ रहे हैं आगे जाएंगे। मोबाइल यूज करना नहीं आता, ये मोबाइल अब कोई भी जनरली व्हाट्सएप आप ज़्यादा यूज करते हैं या किसका आया है ऐसे ही देखते हैं, तो आप उसको जरा किसी एंगल में बताओ आपको। नेक्स्ट, जैसे सीधा है तो मैं फोन बात कर सकता हूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंट है गैजेट का उपयोग नहीं करना, ऐसा नहीं। झुकूँ का तो 15 पाउंड 30 पाउंड, और जब मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ तो 60 पाउंड का वजन मेरी C6 C7 पे आता है। मालूम है नहीं कि व्हाट्सएप का या मोबाइल का सेलफोन का मैं कैसे उपयोग करूँ, वो सिखाना चाहिए या समझना चाहिए। और जिस तरह से फास्ट मूविंग ये गैजेट्स सब आ गए हैं उसमें और ज्यादा दिक्कत हो रहा है, आप समझो उसके बाद आपको दूसरी ऐप पे चले जाते हो,
आदमी कोई भी एक चीज खोलता है, थोड़ी देर में वो दूसरी चीज में जाता है, गूगल में हो, मतलब कोई सर्च इंजिन में हो, या अपने फोन में हो, या और कुछ देखता हो। वो ढाई सेकंड से ज्यादा वो टिक नहीं सकता। अभी ऐसी हालत हो गई क्योंकि उसमें जो आइस के साथ जो हो रहा है, ब्रेन के साथ हो रहा है, हेडेक हो जाएगा। और थर्मोकोलेक्शन आप देखिए, कभी पाँच पाँच सात सात मिनट फोन पे बात करते हैं, आप यहाँ का थर्मोस्टेट देखिए। हम तो डॉक्टर इसलिए जानते हैं, लेकिन डॉक्टर कोई बताता नहीं कि इतना यूज़ नहीं करें। या तो आप हेडफोन यूज़ करें, या स्पीकर फोन यूज़ करें, या लैंडलाइन तो ठीक क्यों निकल गई पता नहीं, क्या लेंस है, इस लेंस से ही सबको प्रॉब्लम है। लाइन में खड़े रह गए 5G में। तो कभी कभी लगता है कि ये ठीक है फिजिकल, लेकिन कुछ स्ट्रेस भी बढ़ गया है। हमको लगता है ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, लेकिन यूट्रेस और डिस्ट्रेस में पता नहीं है कि स्ट्रेस किसको कहेंगे। आदमी को सोचना तो पड़ता है, लंबा तो होना पड़ता है, खींचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो लेकिन वो स्ट्रेस आपके लिए हितकारक है, वो आपको प्रगति के लिए है, आपका डेवलपमेंट के लिए है। उसमें आप ऐसे बैठे रहोगे तो और बीमार होंगे। तो दिक्कत वाला स्ट्रेस, प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेस और अच्छे वाला स्ट्रेस ही नहीं मानो नई पीढ़ी को, आगे बताओ। तो स्ट्रेस इज व्हेन योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। जैसे हमारे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है तो एक थोड़ा स्ट्रेस बनता है कि पलना लाना पड़ेगा, फिर उसके छोटे छोटे सॉक्स लाने पड़ेंगे, घर में मेहमान आएंगे सबको, फिर गिफ्ट देनी पड़ेगी, पार्टी रखनी होगी, तो और फिर रूम ऐसा बनाना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा स्ट्रेस है, वो तो है, जीवन की एक व्यवस्था है, सोचना पड़ता है। कुछ और नया मेहमान आएगा तो उसके लिए दूध की बाकी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे जैसे बड़ा होगा तो पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो तो स्ट्रेस कहते हैं, वो स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं है, जो भी लगे ठीक है स्ट्रेस, आगे चलो। तो वाइफ प्रेग्नेंट हो, लेकिन टेंशन इसको कहते हैं जब आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाए। तो वो टेंशन है। और आगे बढ़े, लेकिन अगर एक साथ दोनों प्रेग्नेंट हो जाए, वाइफ भी प्रेग्नेंट हो और उसी समय गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो, तो फिर पैनिक हो जाएगा। स्ट्रेस, टेंशन, पैनिक पता ही नहीं, क्योंकि हम इस ऐसी धारा प्रवाह से, ऐसे ज्ञान प्रवाह से हट गए हैं। हम कुछ भी भुगतते रहते, कुछ भी करते रहते, कोई बताने वाला नहीं है, साथ साथ इन पर भागवत कथाएं चलती है, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं आती। त्योहार मनाए जाते हैं, नवरात्रि में धूम गरबा लेते हैं, ठीक है, वो परंपरा अच्छी है, कि उसमें हम क्यों गरबा लेते हैं, हम क्यों रास लेते हैं, क्योंकि हमारा पसीना निकलता है तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, पसीना होगा तो यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम वो थोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड ठंडा हो जाएगा। तो वो रास इसलिए हम रचा है, पता सा गुड़ शक्कर खीर नारियल वो माता जी का प्रसाद है। और रात को ये करते हैं क्योंकि दिन में तो ऐसे गर्भा नहीं कर सकते, दिन में तो ये शरद ऋतु वो दिखी है, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो सकता है, दिन में बाहर नहीं निकलना, शरद ऋतु में घर में रहना, सो न सो अलग बात है, लेकिन 4 बजे फिर बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन तो फिर रात लंबी है, तो रात को फिर आप डांडिया लियो, रास लो, माता जी की आराधना रात को करो, क्योंकि उस समय रात्रिचर्या का ये विधान है। और ये रास गरबा लेने के बाद आपका पसीना निकल जाएगा तो फिर, लेकिन याद क्या होता है, गर्मी पूरी होने के बाद, रास पूरा होने के बाद, डांडिया करने के बाद हम पाव भाजी खाते हैं, वो बड़ा गलत करते हैं, या कुछ भी खाते हैं, भूख तो लगती है, लेकिन आपको प्रसाद खाना है खीर का, पकवान का, पेड़े का, मावा का, दूध का, नारियल का, शक्कर का, तो आपका पित्त और समान होगा। और रात को थोड़ी जो भूख लगती है लगनी चाहिए, शरद ऋतु में रात्रि को ऐसा प्रसाद खाने का बोला गया। तो हमारी व्यवस्था ही ऐसी थी, धर्म ध्यान विज्ञान सब साथ में था, आपको ये पता ही नहीं है, तो ऐसे स्ट्रेस टेंशन आते ही रहेगा। नेक्स्ट तो कह रहे डॉक्टर साहब आपने डरा दिया, तो फिर क्या करें, हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना होगा, तो करेक्ट योर लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करो। आप पहले चेक करो कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपके लिए क्या हितकारक है, कुछ जानो,
अगर उसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है तो करेक्ट करो, क्योंकि ये चरक ने भी बोला था, उस समय भी बोला था, ये डायबिटीज तो वैधकालीन था, राजा दिलीप को भी हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और इसको हमें आसीना लगते सुखम, कल भी बताया था, जो बैठा रहता है, जो सुख चाहिए, जिसको एसी चाहिए, जो कार में से उतर के सीधा ऑफिस में बैठेगा, ऑफिस में भी एसी होगा, कार में भी एसी होगा, वो कहीं चलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, नहीं जिम जाएगा, नहीं सूर्य नमस्कार करेगा, और चिकना चिकना खाता ही रहेगा, चॉकलेट खाए, शादी है तो ये खाओ, तो इसको डायबिटीज होने वाला ही है, राजा दिलीप को भी हुआ था। तो लेकिन करना क्या वो नहीं मालूम, इसलिए चरक ने उसी समय भगवान आत्रेय के शिष्य अग्निवेश में जो अर्जुन और कृष्ण के संवाद में जो एक लाइन थी वो तो कॉमन रखी उन्होंने, जब अर्जुन वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, तो भगवान ने उसके दादा को कैसे मारूं, भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, मैं उसके सामने कैसे हथियार चलाऊं, मामा है, ये सब भाई है, तो अर्जुन कृष्ण ने बोला ये नहीं, मत चिंता मत करो, ये भी तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन नहीं समझ रहा था, तो ज्ञान योग समझाए, भक्ति योग समझाए, संन्यास योग समझाए, तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग इतना समझाने के बाद भी अर्जुन कहता मैं तो नहीं करूँगा, मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, तो फिर कृष्ण भगवान को फिर डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा और बोला कि तुम सब छोड़ो, सर्वधर्म परित्यज्य, सब धर्म यानी व्यवस्था, अनुशासन, डिसिप्लिन, जो भी है, तो काम करने का तरीका, और जो मैंने बताया ज्ञान योग कर्म योग, तो कोई बात नहीं उसमें तुम मत फंसो, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण व्रज, यानी कि मेरे शरण में आ जा, कोई एक सिस्टम मैं तुझे बताता हूँ जिससे तू कर पाएगा, अहम तो सर्व पापे मोक्ष इससे अनुनाश हो जा, वो तो फिर बात में अर्जुन समझ गया और लड़ाई हुई सब आप जानते हैं। लेकिन भगवान आत्रेय ने जो सिखाया था अग्निवेश ने वही पहली लाइन भगवद गीता की लिखी कि सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन दूसरी लाइन अग्निवेश ने बनाई शरीरम अनुपाद, सब काम का छोड़ के शरीर का ध्यान रखो, बाकी सब आदि व्याधि छोड़ो, शरीर को आप ठीक रखो तो फिर सब काम कर पाओगे। तो शरीर क्या है वो कभी समझना पड़ेगा, कितनी जरूरत है, तो हमें कोशिश करते हैं श्लोकायुर्वेद से हटके लोकायुर्वेद, लोगों की तरफ ये बात करने का। जिस दिन मोदी जी का मन की बात होता है उसी दिन रविवार शाम को ऐसा ही लाइव प्रोग्राम होता है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड ऑनर, जज साहब जैसे, जिसको इन्वाइट करके और फ्री में नमक के बारे में, कभी पानी के बारे में, कभी कैसे ठोंका लगाना, कभी तेल क्या उपयोगी है, घी का क्या रोल है, ऐसे हमारा दल की बात कार्यक्रम आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो हमने लोकायुर्वेद इसलिए कि भाई आयुर्वेद लोगों का है, आयुर्वेद ये वैद्यों का नहीं है, वैद्य तो उसमें से कुछ पार्ट वहन करता है तो आगे चलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के काम ही दो हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रसन्नम, आयुर्वेद थी बोधय थी आयुर्वेद, जो लाइफ के बारे में समझाता है, जो लाइफ का ज्ञान देता है वो आयुर्वेद है, डिजीज का ज्ञान देता है या दवाइयों का ज्ञान देता है वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद इज नॉट मेडिकल सिस्टम, होम्योपैथी हो सकती है, एलोपैथी हो सकती है, नेचुरोपैथी में भी मरीज ही आते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के साथ बात करना, मैं तो स्वरोपण के लिए इसलिए आया हूँ कि वो लोगों को कुछ ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। क्यों स्वस्थ रहना चाहिए, वो आयुर्वेद हमको सिखाया है, ऐसे हम वैद्य, तो आयुर्वेद थी बोधय थी इति आयुर्वेद, नॉट मेडिकल साइंस, आगे चलेंगे। और जो मैंने बताया आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आयुर्वेद की जिम्मेदारी है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, इस हॉल में जो बैठे हैं, उदयपुर में जो बैठे हैं, जो इस बात को सुनने वाले हैं, सब स्वस्थ रहे, ये आयुर्वेद की जिम्मेदारी है, यानी कि वैद्य की जिम्मेदारी। और फिर भी कुछ हो गया तो आतुर से विकार प्रसन्न जो अस्माकम प्रयोजन, और अगर आतुर यानी दर्दी हो गया, बीमार हो गया, मरीज हो गया, अपना गुना नहीं है, पार्स इन्फेक्शन आ गया, एक्सीडेंट हो गया, या ऋतु का प्रभाव है, जल बहुत बरस गया, कुछ खाने में ऐसे आ गया, तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे, वो हमारा सेकंड कर्तव्य है। पहला कर्तव्य आयुर्वेद का है, वैद्य का है, लोगों को स्वस्थ रखो, और वो करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि माता पिता ने उसको डॉक्टर बनाने के लिए भेजा है, और वही मेडिकल सिस्टम पूरी देश में दुनिया में चल रही है। तो शरीर को ठीक रखो, अब शरीर हम तो इसको ही मानते हैं, मैं दो तीन बार चार बार बता चुका हूँ कि फिटनेस इज द हार्डवेयर बंच ऑफ सिक्स सॉफ्टवेयर, ये तो सिक्स के भी मैंने तीन बताया, बॉडी सोल, जो पॉजिटिव बॉडी है, कारण शरीर है, मन शरीर है, मन को नहीं जानते, सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है नहीं मालूम, तो मन के और पहले रोग मन में आता है,
शरीर में आने के बाद भी वो मन से प्रताड़ित होता है, मन से परिचित होता है। तो ये तीन बॉडी को समझना पड़ता है, तीन के लिए काम होता है जो हम आगे चलेंगे। तो शरीर को क्या चाहिए? सुख चाहिए, ऐसी चाहिए, भूख लगी है तो खाना चाहिए, समय पे वस्त्र मिलना चाहिए, तो शरीर को तो सुख चाहिए। लेकिन मन को आनंद चाहिए, मन को, मन का फूड ये श्रीखंड नहीं है, वही श्रीखंड या वही रबड़ी आप खाते हो, पार्टी है आपका बर्थडे और आपके भाई का एक्सीडेंट का न्यूज आता है, तो आपकी पार्टी कहाँ रह जाती है? आपको प्रिय से प्रिय रबड़ी आपको पसंद नहीं आती, आपको ऐसा लगता है छोड़ो जल्दी भाई को पसंद। तो मन को क्या चाहिए? मन को तो आनंद चाहिए। अगर वैसा ही समाचार आता कि भाई का नौकरी लगी है तो और एक हो जाए रबड़ी और एक आइसक्रीम हो जाए। तो मन को आनंद चाहिए, शरीर को सुख चाहिए, मन को आनंद चाहिए। जिसके लिए मैं इतना नहीं बोल सकता, लेकिन बस इसकी आराधना ही कर सकते हैं, वो परमात्मा को क्या चाहिए, सच्ची बात चाहिए। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या करें? अब बोलते हैं साहब आपने वो पंडित की तरह बात कर ली, तो उनको तो SOP चाहिए, हमको तो कुछ प्रोसीजर चाहिए, हमको कुछ टिप्स चाहिए। तो सेलिब्रेट ऑल द रेस, सब दिन को आप एंजॉय करो, आनंद करो। कैसे कर सकते हैं आगे? तो ये इतने थोड़े प्रोटोकॉल जो आप कर सकते हो, जैसे आप कपड़ा बदलते हो, स्कूटर स्टार्ट करते हो, रसोई घर में महिला जाती है, ये सब आप कर, तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोटोकॉल है आपके दिन के। इसमें ही हेल्थ है, इसमें डिजीज है। अगर आप समय पे नहीं उठे तो डिजीज है, समय पे उठे तो ईज है। टॉयलेट कैसे जाना, मैं सबकी पूरी तो सब नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन 4-5 टिप्स में क्या गलतियां हो रही है, क्या करना चाहिए वो बताने की, और उसका साइंस क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ब्राह्म मुहूर्ते उठिष्ठ, ब्राह्म मुहूर्त में उठो। क्यों? और ब्राह्म मुहूर्त क्या है वही नहीं मालूम, वो तो पंडित को पूछेंगे। हम तो डॉक्टर हैं, हम तो वकील हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको ब्राह्म मुहूर्त के साथ क्या समझ। लेकिन इसके ऊपर अभी जब नोबेल पारितोषिक मिला जापान के साइंटिस्ट को कि मुहूर्त क्या है, बॉडी में वो कार्डियक रिदम कैसे होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे होता है, वो देखा एक जापान के साइंटिस्ट। भारत का हर आदमी जानता था कि कब उठना कब सोना। तो सुबह ब्राह्म मुहूर्त यानी जहां आपका सूर्योदय होता है, जैसे हम थोड़ा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, हम तो एक्सट्रीम वेस्ट में है, मैं जामनगर या कच्छ में हूँ तो एक्सट्रीम वेस्ट में, तो वेस्ट में 7:20 पे अभी सूर्योदय होता है, आपके यहाँ 7:05 के करीब होता है। तो आपके यहाँ जितने बजे सूर्योदय होता है, और जिस ऋतु में समर में वो भी आपके यहाँ 6 बजे हो जाएगा, तो जब भी आपका सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटा पहले वो ब्राह्म मुहूर्त होता है। वो ब्राह्म मुहूर्त में, मैं उसका और भी रीजनिंग समझाऊंगा इसके बाद कि उसमें भी, तो ब्राह्म मुहूर्त में आप, क्योंकि आप 10 बजे सोए हो, ये प्रोटोकॉल है, 10 बजे सोए तो 12:30 बजे जब मिडनाइट होती है, यानी कि 2.5 घंटा आपको लाइंग पोजीशन मिली, तो फिर आपकी पिट्यूटरी हाइपर सीक्रेट होती है, मतलब पिक लेवल पर पहुंचती है, और वो पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड। तो थायराइड, थायमस, एड्रेनलिन, ओवरी सबके ऊपर उनकी इम्पैक्ट होती है। तो 2.5 घंटा उसको सीक्रेट के पिक में पहुंचने में 2.5 घंटा चाहिए, और सनलाइट होने से पहले वो और ऑर्गन को, मतलब और बाकी ग्लैंड को वो नरिश कर सकते हैं। जैसे सनलाइट आ जाएगी, सूर्य आ जाएगा, फिर वो स्विच ऑफ जैसे हो जाएगी। तो हाईएस्ट पिक पे होती है उस समय जब आप ऊँचो, और उस समय कॉस्मोस में O3 होता है, ओजोन होता है। ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल होते हैं, क्योंकि पूरे उदयपुर की आप कितनी भी गीच बस्ती है, कितना भी हाईवे के रोड है, आप देखिए 1 बजे 1:30 बजे ट्रैफिक कम हो जाता है, धीरे धीरे हवाएं नीचे बैठती है, कचरा बालू कंकर धूप सब नीचे बैठ जाती है, गांव में तो कब का ये हो जाता है। तो सुबह जो अर्ली मॉर्निंग है उसमें आपके ऑक्सीजन में ये जहरीली वायु नहीं होती। उस समय उठ के जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम, जो आप रूटीन जो सांस लेते हैं वही अनुलोम विलोम, उसमें बाबा रहते हो अमिताभ बच्चन या इतने समय जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जो सांस लेते हो वही अनुलोम विलोम है, और जो नॉर्मल करके उसको समझ के, उसको रीड करके, उसको फील करके, महसूस करके करना, वो बस करना। तो यहाँ से अगर हम छेद करेंगे सीधा ब्रह्मन यहाँ से, और यहाँ से छेद करेंगे दोनों रोड कहीं मिलेगा वहाँ पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी यहाँ टिप पे है,
जैसे ही डीप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन के तीन पार्टिकल, तो वो पीयूष ग्रंथि है, वो अमृत तत्व है, और वो अमृत तत्व के लिए वो एनवायरमेंट है। उस समय आप उठ गए, उस समय आपने ये किया, तो आपका बॉडी कभी खराब हो गई है। सूर्योदय के बाद नहीं उठ सकते। रात को जगने वाले अब मुझे प्रश्न बहुत पूछते हैं कि रात को चौकीदार उसका क्या होगा, फिर जो नाइट क्लब में काम करते हैं या जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका वाले क्यों कॉल सेंटर में काम नहीं करते? आपको समझ में आता है कुछ? वो कितने भी मूर्ख हैं, कॉल सेंटर में तो भारत के लोगों को लगा देते हैं कि आप रात को भी जग सकते हो, आपको तो पैसा चाहिए। वो तो सेंट्रल नेशन में भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, रात को क्या काम करेगा? उसको वो मालूम नहीं जाता, लेकिन कुछ तो उसकी पैटर्न है, और हमको तो मालूम नहीं पैसे के लिए रात को भी लगेंगे। तो उनके लिए भी क्या है, वो भी शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा अगर कोई है जिसका अगर ड्यूटी है, वो चौकीदार ही है, उसको जागना ही है, तो उनके लिए क्या थोड़ा इसमें प्रोटोकॉल में चेंज होगा? तो ब्राह्मण मूर्ति उद्दिष्ट है, क्यों जल्दी उठना? नेक्स्ट, वो कितना साइंस है आपको हेल्दी रखने के लिए। सिर्फ रात को एक 200 ml का एक बड़ा पॉट तांबे का भर के रख दीजिए आपके बेडरूम में, आपके बेड के पास, और वो अगर सुबह आप उठ के सीधा पीते हैं, व्हाट्सएप पे तो आता है बहुत, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, ऐसा करो वो करो, ऐसा नहीं गुनगुना पानी, गर्म पानी, आपको तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही पीना चाहिए पूरा सुबह। ये 10 गिना वो टॉक्सिन्स को कम करता है, स्किन में नमी लाता है, ब्लड में कूलिंग कर, पूरे बॉडी को कूलिंग करता है, पचने में मदद करता है, कब्जी नहीं रहती। ये 10 उसके गुण है सिर्फ तांबे, जो आमतौर पर वो प्रॉब्लम क्या यही पता ही नहीं सुबह क्या करना, उठ के सीधी चाय पीते हैं, जो नहीं करना है वो हम करते हैं, और क्योंकि क्यों करते हैं वो मालूम नहीं, और क्या करना चाहिए वो भी मालूम नहीं। आगे देखो, एक मैं नई चीज आपके लिए, इसमें भी पीएचडी हुआ है 2-3 लोगों का, कि इंडियन कॉमोड स्टाइल और वेस्टर्न कॉमोड स्टाइल, कहते हैं अमेरिकन या वेस्टर्न टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने से आपका 30% स्टूल पास नहीं होता, यह आपको आश्चर्य लगेगा। अब सीनियर लोग जब इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो लगेगा यार, तो क्योंकि उसके घुटने में भी दर्द है, वो एक बात सही है, उनको प्रॉब्लम है, उनके लिए तो मेरी यूट्यूब में है स्टोरी 1.5 घंटे की, कहानी कब्ज की, कब्ज के ऊपर मैंने 1.5 घंटा शास्त्र और उल्टा पुल्टा के सब दिया है, लेकिन मैंने उसमें चित्र भी दिया है। 10,000 साल पहले मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में पब्लिक टॉयलेट कैसे थे वो मैंने बताया, वो आपको समझाते कि टॉयलेट अमेरिका ने सिखाया, ब्रिटिशरों ने सिखाया, स्वच्छता अभियान अभी अभी चालू हुआ 10,000 साल पहले, सुलभ शौचालय मैं समझने के लिए बोलता हूँ, पब्लिक टॉयलेट कैसे थे, घर में टॉयलेट कैसा रखना चाहिए, महिलाओं का टॉयलेट कैसा होना चाहिए, बुजुर्गों का टॉयलेट में क्या फर्क होना चाहिए, वो इतना डेवलप कल्चर था हमारा, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। कम से कम ये आज फिर से रिसर्च हुआ है कि उकड़ बैठने में अब उसका कौन ही 30% कौन जो उन्दू खाएगा, लास्ट जो जहाँ से मल फिर विसर्जित होने के लिए मलाशय से नीचे जाता है, वही बैठ आप सीधा बैठ जाओगे तो उसको प्रेशर नहीं आएगा। तो ये छोटी सी कि स्टूल पास कैसे करना वो भी आज समझाना पड़ता है। आगे दातु, पता नहीं कौन करते होंगे दातु, धन्यवाद। चलो एक तो है दातुन, जो खुद दांत को ठीक रखता था, जो गम्स को मसाज करता था। आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठ के मीठा रस कभी नहीं लेना, मधुर और लवण रस नहीं ले सकते उठ के, कटु यानी तीखा, कड़वा, नमकीन, कसाय कसेला, ऐसा रस ले सकते हो, क्योंकि गम्स में जो पूरे रात में जो बैक्टीरिया आए हैं आंतों में से, आप इसको मल बोलेंगे, जीभ में और दांत में, और मसूड़ों के पास रहते, दांत में इतना मल नहीं आता। आप दांत साफ करके भी सोइए, रात को ब्रश करके सोइए और दूसरे दिन देखिए, तो जीभ पे जो मल होगा, मसूड़ों पे पास जो होगा, वो अंदर से बनता ही है, जैसे पसीना स्किन से निकलता है, टट्टी गुदा से निकलती है, मूत्र पेनिस से या वजाइना से निकलता है, उसी तरह से कुछ आंतों के मल जो है स्टमक से होते हैं वो ऊपर आके यहाँ से निकलता है, तो उसको साफ करने में मीठा रस नहीं चाहिए।
मीठा रस लगाने से गम स्पॉन्जी हो जाता है, उसको एस्ट्रिंजेंट चाहिए, एस्ट्रिंजेंट यानी पकड़ के रखे दांत को। रोग दांत के कम होते हैं, रोग होते मसूड़ होते, तो मसूड़े को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एस्ट्रिंजेंट कसेला रस चाहिए और ग्रीन क्लोरोफिल चाहिए दांत को चमकाने के लिए, एनिमल को ठीक रखने के लिए। हो ही नहीं रहा आज भी ब्रिटिशर्स इवन अमेरिकन जर्मन लोग आप ऑफिशियल तो 50% तो ब्रश क्या करते ही नहीं, जो हमको सिखाते हैं ब्रश, जो हमको भेजते हैं, जो बेचते हैं वो ब्रश नहीं करते, डेली नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, अनिर्वर नहीं बदलते, एक महीने पर जींस पहन लेते हैं, उठते हैं जाते हैं खाते हैं नहाते हैं कुछ भी कर लेते हैं, नहाते नहीं, ब्रश नहीं करते, ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ कोई कल्चर ही नहीं है, वहाँ समझ ही नहीं है, और प्रकृति भी उससे फेवर में नहीं है, ठंडी बहुत है तो वो कपड़ा बदलने के लिए भी ठंड लग जाती है, वो नीचे उठकर बैठ भी नहीं सकता, उसको टॉयलेट जाना है तो उसको तो ये वेस्टर्न टॉयलेट उसके लिए शायद थोड़ा ठीक भी है, और उसको तो टॉयलेट का कोई कम जहाँ किचन का कल्चर नहीं है, जहाँ आप अमेरिकन आर्किटेक्ट का स्टडी करिए, क्या आपको कोई फ्रेंड है सके बारे उसको पूछिए या गूगल में देखिए, अमेरिकन हाउस का आर्किटेक्चर है उसमें किचन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, लेकिन पेंट्री है, पेंट्री यानी छोटी सी जगह जिसमें फ्रिज है, एक माइक्रोवेव है, फ्रिज में ब्रेड पड़ी है, सूखा हुआ मटन का टुकड़ा, चिकन का टुकड़ा, बटर, चीज और बहुत थोड़ा वेज कॉन्सेप्ट वाला होगा तो थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स या ऐसा कुछ पड़े होंगे, फ्रिज खोलेगा कभी भी ब्रेड का टुकड़े के ऊपर मक्खन लगाएगा, मटन का टुकड़ा डालेगा, चीज डालेगा, ओवन में गर्म करेगा माइक्रोवेव में, और कहीं भी टॉयलेट में बैठ के खा सकता है, कार में बैठ के खा सकता है, ऑफिस में खा सकता है, कभी भी खा सकता है। जिसको खाना नहीं आता उसको जाना क्या आता, 8-8 दिन तक वो कब्जी होती है उसको, सबसे ज्यादा पाइल्स का प्रॉब्लम उधर है, तीखा नहीं खाते वो, हमारे यहाँ पाइल्स राजस्थान में भी प्रॉब्लम है, काठियावाड़ में एकदम तीखा खाते तो पाइल्स ज्यादा है, लेकिन उनको तो तीखा नहीं खाते हो क्योंकि उनको तो फाइबर मिलते नहीं, क्या खाना कैसे खाना, उनको कभी खिलाओ दाल बाटी चूरमा तो पता चले कि कैसे पेट साफ आता है। कल मुझे बता रहे थे ब्रिजेश जी, आज भी मेरी चर्चा हो रही थी कैसे पेट साफ आता है, हमारे तो खान पान की इतनी विविधता है, इंग्लैंड की महारानी मार्गरेट थैचर, इंग्लैंड की वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उनको एक बार बुलाया था हमारे लंदन के स्वामीनारायण मंदिर में, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वो है लंदन में, अभी भारत में नहीं, इससे बड़ा मंदिर वो लंदन का स्वामीनारायण मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और पुराना मंदिर तो अंगरकोट वाला जो हुआ कबूड़िया में वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी का लाल मंदिर उनमें अन्नकूट का दिवस था, अन्नकूट राजस्थान के लोग तो जानते हैं, हम सब जानते हैं दीपावली के दूसरे दिन जो आता है, अन्नकूट के दर्शन के लिए बुलाया था मार्गरेट थैचर को, तो मार्गरेट थैचर वैसे भी जब उस समय क्रिसमस की तो भीड़ भाड़ उसकी थी नहीं, दीपावली के समय वो खाली थी, और हिंदू कम्युनिटी उधर बड़े बिजनेस में है और उनके एरिया में ये था, तो गई और उधर देखा तो वो ढेर मिठाइयाँ पड़ी थी, अन्नकूट तो भोग लगता है क्योंकि वो ताजुब हो गए, इतनी स्वीट्स, इतनी रेसिपीज, ये किसने बनाया, आपके कुक कौन है, तो 700 प्रकार की मिठाई थी, 700 प्रकार, 80 प्रकार की तो पापड़ वड़ी, सब्जी 300 प्रकार, 1111 टोटल आइटम थी, जल भी कैसे पीना, उस समय कौन सा जल लेना उस ऋतु में वो रखा था ठाकुर जी के पास, हर ऋतु में एक ही जल नहीं होता, हम कहते जल पियो ठाकुर जी को, जल कौन से ऋतु में कौन सा देना, नाथ द्वार में जाओ, वहाँ जो परंपरा है देखो कि तो स्टडी करो, पुष्टि जो संप्रदाय है ना, सुबह से लेकर रात तक कैसे रहना, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सिर्फ श्रीनाथ जी में आप 2-3 दिन रहो, सिर्फ श्रीनाथ जी के मंगला से लेकर रात तक के दर्शन करो, मंगला जाओगे ना जब तो उसमें आपको बिना नहाए जाने की छूट है क्योंकि ठाकुर जी भी नहाए नहीं, तो सुबह उठ के क्या करना है, वो लाइफ स्टाइल देखनी है तो वहां झील के दातुन होंगे, इस ऋतु में तो बकुल के दातुन होंगे, और सुनिए ये शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु आएगी तो ठाकुर जी को गोदड़ी लगाई होगी और सामने अंगीठी होगी, बड़ी अंगीठी है, तो उसमें तो हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, आप फिर ग्वाल भोग में देखेंगे, आप दोपहर में देखेंगे श्रृंगार में, फिर रात को शयन में, रात को क्या ले सकते हो, वो तो ठाकुर जी है छोटे हैं,
तो दूध तो सबको जलता है, बूढ़े को भी जलता है। दिनांत विभेद दुग्धम किम वैदस्य प्रयोजनम, दिन में दूध और दूध के आइटम कुछ खा के सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये श्रीनाथ जी हमको सिखाते हैं, नाथ द्वारा में उनको हमारी पुष्टि यानी आरोग्य की पुष्टि, आयुष्य की पुष्टि, वो सब प्रदाय। भारत का हर चीज में ज्ञान विज्ञान था। तो हमें नहीं मालूम कि दातुन क्या है, तो दातुन आज ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूं ना, ये दातुन एक तो हर ऋतु का दातुन है, हर महीने का दातुन है, इसमें मैंने वो लिस्ट किया है कौन से ऋतु में कौन सा दातुन करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि दातुन और ब्रश दो है आपको दिया गया, आप कितने भी पढ़े लिखे मुझे नहीं मालूम आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेकिन इतना मुझे याद करके फिर आप गूगल में चेक करिए कि जो आपका कल का किया हुआ आज सुबह का किया हुआ ब्रश है उसको आप किसी लैब में भेजिए, तो उसमें 5, 10, 15, 25, 50 बैक्टीरिया मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपने क्योंकि ब्रश पूछ ब्रश को 15 मिनट तक 150 डिग्री तक उबालना पड़ता है तभी बैक्टीरिया बढ़ेंगे आपके घर में कोई है, सबके ब्रश साथ में पड़े होते हैं एक ही जगह बेसिन के पास, हमारा भी खुद का भी बैक्टीरिया लगता है और वहां उसमें लगता है, क्योंकि एक तो मीठा रस है, मीठा रस देना नहीं चाहिए और हमने बोल दिया, और दातुन को दांत को एक्सरसाइज नहीं मिलती जब से टूथब्रश आ गया। आप करके देखिए एक बार ब्रश को चबा के देखिए, ब्रश से चबाना ब्रश को चबा नहीं सकते, या तो टूथब्रश टूट जाएगा या दांत टूट जाएगा। तो दातुन को चबा के हमें हम ब्रशिंग तैयार करते हैं, जो ग्रीन फाइबर होता है, नेचुरल क्लोरोफिल होता है, नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होता है, और ऋतु के अनुसार चॉइस है तो एक और ऋतु की फेवर उसमें मिलेगी, तो आपको दांत की एक्सरसाइज होगी, मसलों की मसाज होगी, और डेली नया लुफ्थांसा एयरवेज में जो जर्मनी का है उन्होंने 12 महीने तक, फिर उसके पास वो प्रोवाइड नहीं कर पाई भारतीय कंपनी, तो 12 महीने तक जो नाइट जर्नी होती है जिसमें 6 घंटे से ज़्यादा नाइट जर्नी, उसमें वो लोग पूरी कीट देते हैं, उसमें एक ग्रीन स्टिक देते थे दातुन, और डिस्पोज कैसे करना वो उसकी एरोस्टेस सिखाती थी, जैसे ऑक्सीजन मास्क कैसे खींचना, नकाब नीचे आ जाएगा, उस तरह से आपको जो कीट दी है उसमें ग्रीन स्टिक है, वो आपको सुबह अगर आपको दांत साफ करना है तो उसका यूज़ करिए, और उसको कैसे डिस्पोज करना है, डिस्पोजेबल बैग दी थी उसमें डिस्पोज करना, फिर एरोस्टेस वो ले जाती थी जैसे हमारा टी लिए जाते थे, ये लुफ्थांसा एयरवेज का। लेकिन ये जो चित्र है ये यूएस का एयरपोर्ट का है, 9 सीलिंग में 5 दातुन मिलते हैं, दुनिया बदल गई, दुनिया आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, आपका ज्ञान फैल चुका है बाहर, उसमें वो चेक कर रहे हैं, हम लोग हमारे ज्ञान को चेक किए बिना, कल भी बताया बार बार बताता हूँ, पुराण मित्य बंद साधु सर्वम नचापि काव्य नवनीत मध्यम संतम परीक्षित नेत्र नित्य नूतन चीर सनातन अपग्रेडेड चाहिए साइंस, भारत की यही सोच थी कि हमारा कोई भी विषय है उसको अपग्रेड करो अपडेट करो, ऐसा नहीं कि हम गठिया उसी बातों को हम पकड़ के बैठेंगे, दुनिया ये समझ रही है, भारत के यूथ भारत की महिला भारत के गृहस्थ लोग नहीं समझ रहे हैं, हम ये साल स्टर्लिंग अपोलो एम्स हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते जब तक ये ख्याल नहीं होगा कि कैसे स्वस्थ रहना है, हर जिले में एम्स खोलना, इसका मतलब क्या बीमार की गारंटी, जीडीपी का मतलब क्या है, आप हेल्थ के पीछे मतलब हॉस्पिटल में कितना रुपया खर्चा करते हो, जो ज्यादा करते हैं उसकी जीडीपी ज्यादा है, मतलब आप बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खोलो, बड़े दवाखाने चलाओ, डॉक्टर ज्यादा पैदा करो, हेल्थ नहीं बचेगा वो मालूम होते हुए भी करो, क्योंकि आपके पास आपका ज्ञान के बारे में चर्चा करने का सोचने का समय ही नहीं है, सही ज्ञान बताने वाला नहीं है, दादी नानी के नुस्खे गायब हो चुके हैं, तो घर में वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो आगे चलेंगे, सिर्फ आपको 10 मिनट देनी है, सन सैलूटेशन 6 आसन मिनिमम आ जाते हैं, बाकी भी आसन आते हैं, लेकिन ये 10 मिनट आप दीजिए हर जॉइंट को, हर मसल्स को, हर ग्लैंड को, मतलब यूज ग्रंथि से लेकर हर ग्लैंड को, इसमें एक्टिवेशन मिलता है, पूरा बॉडी 10 मिनट में आपका तरोताजा, ये सूर्य नमस्कार से पार करिए, पार मंत्र है सूर्य के, पार करो, एक करो, दो करो, जितना हो सके, लेकिन ये आपको एक 10 मिनट आपके बॉडी के लिए देने आगे चलिए, थोड़ा बहुत फूट मसाज या हेड मसाज करवा लीजिए, पूरा बॉडी को मसाज हो सकता है तो अच्छी बात है, राजस्थान हरियाणा पंजाब यूपी बिहार कोई भी बाथरूम में जाओ छोटा भी घर होगा, लेकिन तेल का कोई बॉटल होगा, स्नान से पहले थोड़ा तो मालिश कर लो, या तो सर में या हाथ पाँव में, लेकिन
ये नोट से प्रक्रिया नीचे खत्म हो रही है, कुछ आदमी तो है ही नहीं। ये मसाज करो पहले, अभ्यगम आचरण नित्यम स्वर जरासम वाता दृष्टि वृष्टि प्रसाद पुष्टायु सुस्वप्न तुम्हारे। सिर्फ मसाज करने से कितने फायदे हैं, तो कम से कम पूछ मसाज, हेड मसाज। मैं तो आर्मी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाता हूँ तो उनको बीएसएफ को कितना मसाज चाहिए, उस जो सीआईएसएफ का जवान वो कैसे खड़ा रहता है, कैसे वो रेडिएशन के पास खड़ा रहता है, वो चेक करता है ना वहाँ पूरा बॉडी वगैरह, तो उनको कौन सा मसाज चाहिए, उनका फूड, उनकी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल अलग है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन ये जनरल लाइफस्टाइल में आपको थोड़ा तो ये करना चाहिए। नेक्स्ट, एक 10 मिनट रात को सोने से पहले आप कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, चाहे कोई मंत्र हो, स्तोत्र हो, बंसी के सुर में या जलतरंग में या वीणा में आप हेडफोन लगा के आप सोइए, तो लास्ट में जब आपका मन होगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस से, स्ट्रेन से निकलना है, आपके मन को भी स्वस्थ रखना है, तो 10 मिनट आप इधर दीजिए आपके मन को। तो गाय की बातें तो मैं कर चुका हूँ, उसके मैं बहुत स्पीड से जाऊँगा। तो गाय और पूरी लाइफस्टाइल में गाय है, जर्सी और गाय बनिए, आगे चलेंगे। गाय के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, आगे और चलेंगे। ये बॉस्टोरस बॉसिंडिकस, एक अभी जो आया कोविड के समय, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने यूरोप से एक मैसेज दिया कि हमने कोविड के लिए एंटीबॉडीज ढूंढ लिया है, वो गाय के खुर में। अरे हम तो गाय के खुर की धुनी सर पे चढ़ाते थे, हम तो वो पकड़ के घर में रखते थे, गाय की धुली, गोधुली में लगन शादी करते थे, गोधुली के समय उसका उपयोग करते थे घर में, हम बैड हैबिट नहीं आने देने के लिए। तो ये बैड हैबिट है ना आपका, ये कोविड, तो हम तो इससे ट्रीटमेंट भी करते थे, आगे चलेंगे। तो जीवन ये है, सीएल और बीएफ है, सेल जो सुसाइड करता है, सेल जो खत्म होता है, बॉडी डिजनरेट होता है, वृद्धावस्था जो आती है, उसके लिए रोकने के लिए सीएल है, कॉन्जुगेटेड क्विनोनिक एसिड और वोलेटाइल फैटी एसिड, जिसको शास्त्रों ने जीवनी और रसायन बोला, जो गाय के दूध में है, जैसे गाय के दूध में अलावा पाउच में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, और कोई जगह कोई वनस्पति में नहीं है, ये सीएल और ये पीएफ है। तो ये इसलिए गाय का दूध क्यों महत्व है, ये आगे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन ब्रेन के लिए हमारे स्टूडेंट ने रिसर्च किया, सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा कि 48% तक हम पीजीआई मेमोरी सेंटर से मिडिल एज के लोगों का ब्रेन बढ़ा सकते हैं, आगे चलेंगे, मतलब उसकी मेमोरी। आँख के लिए भी अच्छा है, आपको आँख की तकलीफ नहीं होगी अगर आप देसी गाय का घी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 10 ग्राम पूरे दिन में चाहिए हमको। और ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन मक्खन में है, कहते नंद किशोर माखन जो, कृष्ण भगवान ने माखन क्यों चुरा रखा है, तो मक्खन किसके लिए, किशोर, किशोरावस्था है, जब हमारा गोनोरिया ग्रोथ होता है, जब हाइट बढ़ती है, उसके बाद 20 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो हाइट बढ़ती है जब किशोरावस्था होती है 12 से 18, उस समय ही माखन खाना है, उस माखन तो कभी खा सकते हो, लेकिन उस समय माखन ज़्यादा चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें मुलाश कश्यप ने बताई। अभी शाम होगी, हमारे घरों में दिया जलेगा, नवरात्रि ऐसे नहीं डेली पे। देखो सूर्य जब अस्ताचल पे जाता है, पृथ्वी घूम जाती है, सूर्य तो कुछ नहीं होता, पृथ्वी घूम जाती है, तो बहुत से बैक्टीरिया वायरस एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश में वो बैक्टीरिया वायरस एक्टिव नहीं हो सकते, पूरे दिन में वो एक्टिव नहीं होते, लेकिन संध्या टाइम, संध्या कालीन वो समस्या होती है। तो एक दिन सूरज दादा बहुत ऐसे निस्तेज थे, भाई दुखी होकर ऐसे मुंह लान करके खड़े थे, तो उसमें गाय आई, वेदों में गाय को सूर्यपुत्री बोला है कि पिताजी क्यों डिस्टर्ब हो, क्यों ऐसे स्ट्रेस में बैठे हो, कि नहीं मैं इसलिए स्ट्रेस में हूँ कि पृथ्वी अब घूम गई है, मेरी बेटी वो भी बेटी है सूर्य की, अब वहाँ के जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती हैं, वो सब परेशान होंगे पूरी रात तक, बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरस एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जब मेरा ताप है, मेरे किरण है, मेरी गर्मी है, तब तक तो वो एक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन उसको परेशान करेंगे, रात को बहुत से रोग लगते हैं, बहुत भूत पिशाच ये लोग बोलते हैं वो बैक्टीरिया वायरस है, तो मैं उन बच्चों को ये क्या करूँ, क्योंकि पृथ्वी को अपना स्वभाव है घूमने का, जो सुबह आएगी तब तो कोई चिंता नहीं, लेकिन पूरे ये 8-10 घंटे में बहुत बीमारी हो जाएगी। तो गाय ने बोला क्यों पिताजी आप चिंता करते हो, ये मत्स्य पुराण की कहानी है, मुझे वो आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे सर के ऊपर हाथ घुमाए, तो ऐसे हाथ घुमाते घुमाते ऐसे हुआ, तो जो हम्प है टूटी, वहाँ सूर्य की नाड़ी आ गई, जो देसी गाय है जिसमें टूटी है, हम्प है, वो जर्सी में नहीं है,
वो सूर्य के तो नाड़ी आई तो सूर्य के जो वो प्लेक्सिस है यूरोन में जाना है जो सनलाइट में से लेके जो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अपने दूध में कन्वर्ट करती है, जिसको शास्त्रों ने बोला सुवर्ण पिंड। गाय का दूध पीला, दही पीला, छाछ पीली, मक्खन पीला, वो सुवर्ण गोल्डन येलो एंजाइम है, बायो गोल्डन, जिसको हमने 10,000 लीटर यूरिन में से, काउ यूरिन में से हमने 1 माइक्रोन गोल्ड हमारे जूनागढ़ के लैब में हमने निकाला। मनुष्य के मूत्र में से गोल्ड नहीं निकलता, सिर्फ गाय के मूत्र में, क्योंकि वो जो सूर्य तो उनके दूध में, दही में, घी में, छाछ में, तो वो खाने में तो काम में आया, वो तो आप समझे, लेकिन आप दिया जलाओ तो भी प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड निकलता है। एक दिया जलाएंगे ना तो आजू बाजू के बैक्टीरिया वायरस भाग जाते हैं, ये उसकी गुणवत्ता है। इसलिए गाय को सूर्यपुत्री बोला। हमारे घर में दिया लगाते हैं, फिर माँ क्या करती है, भगवान के पास तो ऐसे आरती उतारी, लेकिन दूसरे रूम में जाएगी, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, और जगह जाके फिर पास भगवान के पास रखती है। और या तो एक दूसरा दिया तुलसी के किनारे गमले में रखते थे। तो ये क्यों करते हैं, तुलसी की ओर 3 मीटर है, 3 मीटर तक बहुत से बैक्टीरिया वायरस को आने देते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। बेटा ट्यूशन में गया है, स्कूल से वापस आएगा, पति खेत से खलिहान से आएगा, दुकान बंद करके आएगा, तो आंगन में भी बैक्टीरिया है, उसको कौन हटाएगा, तुलसी की क्षमता थी उससे ज़्यादा। फिर उसमें गाय का घी का दिया रख दिया तो पूरे आंगन में 8 मीटर तक कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं आता है। मंदिर का पुजारी क्यों बड़ी 5 बार, जैसे हमने 5 बाती इधर की, 5 बाती बचवटी क्यों की, कि भाई घर में तो आपने बैक्टीरिया भर गया, लेकिन सब वो रोड पे आ गए, गली में आ गए, शायद गांव में कोने कोने फैल जाएंगे। तो ठाकुर जी का मंदिर बीच में होता है, हनुमान का मंदिर एक साइड होता है, शंकर का मंदिर दूसरी साइड पर होता है। ये पूर्व प्राचीन भारतीय वास्तु है, बाकी और कोई मंदिर हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में पंचवटी करके इधर फिर आता है पुजारी, इधर करता है, कुछ गणेश होता है, कुछ हनुमान जी होता है। तो इसलिए नहीं कहता गणेश को कुछ चाहिए, वो पूरे एरिया में 10 दिशाओं में फैल जाए, ये प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड। हम भी ऐसा करते हैं कि कुछ भी अगर बैक्टीरिया घुस गया है तो ऐसे हम आरती देते हैं हम आपके, ये वजह था। फिर जाता है हनुमान जी का मंदिर, नैऋत्य का पवन आता है, दक्षिण का पवन आता है, तो शंकर और हनुमान जी के मंदिर में भी ये पूजा होती है। तो दीप, गाय का दीप जलाना ये इतनी बड़ी बात है, यज्ञ तो कल आप देखेंगे क्या क्या उसका फायदा है, आगे चलेंगे। सगर्भा स्त्री को कौन से महीने क्या देना, मैं 2-3 दिन पहले बताया था कि कब गाय का घी देना, 5वें महीने से प्रेम बन रहा है, तो 87% प्रेम जो आपका IQ है वो तो सगर्भावस्था में सेट हो रहा है। कब उसकी स्कीम बनेगी, कब उसकी हड्डी बनेगी, उस तरह से गाय के पंचकर्म का उपयोग जो मैंने सब स्तर बताया, इसलिए अभी तो नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात मुझे आज बता दिया जो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन है या एसेसिनेशन है, यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मेरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो भी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। ये वैक्सीन की वजह से दुनिया क्या कर रही है, भारत में अभी सिर्फ कोविड की वैक्सीन 70,000 करोड़ रुपये की दी गई, 70,000 करोड़ हमारा हेल्थ का बजट भी नहीं है, लेकिन हमने बस हमको लगा कि हम ठीक कर रहे हैं, उसमें ठीक करने वाला सिखाने वाला कौन है क्या है जरा उसको समझने से पहले वैक्सीन सब देते हैं। वाका, वाका यानी गाय, ये ब्रिटिशर लोग जेनर से पहले जब आए 1730 में, 1730 में बंगाल में, ये जैसे लंपी है मनुष्य में वैसे माता फैलती है, तो उस माता की ट्रीटमेंट कर रहे थे, दूसरे लोगों को माता ना फैले, इसलिए वो क्या कर रहे थे, बंगाल के कविराज यानी वैद्यराज, उसमें छोटा सा एक छेद करके जिसको माता निकला है उसमें से पस्तूल लेके नॉर्मल व्यक्ति के यहाँ पे, आपके कोई सीनियर लोगों को यहाँ आपका बड़ी चिट्ठा लगाया हो, पुराने जमाने की बात है, वो इसलिए करते थे कि आपको परमानेंट इम्यूनाइजेशन हो जाए। ये देखा ब्रिटिशर को मालूम नहीं था जब तक कि वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन तो भारत ने आविष्कार की, मैं तो बहुत नीचर में उसकी बात करता हूँ, वो अभी मैं नहीं जाऊँगा, इतना समय नहीं है, लेकिन वो देखने के बाद उन्होंने भारत के कविराजों के ऊपर बैन लगा दिया, 12 वैद्यों को जेल को अंदर खत्म कर दिया गाँव में और उसको मार दिया। और ब्रिटिश आर्काइव में ये सब लिखा है, राजीव दीक्षित और खास करके उनके गुरु जी क्या बोलते हैं नाम भी जो हमारे सर सिखा और गाय थे राजीव दीक्षित के गुरु जी, जिनके ही सब प्रवचन राजीव दीक्षित बोलते थे। एक्चुअली जो रिसर्च है वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊँगा,
तो उन्होंने 16 साल ब्रिटिश आर्काइव में बैठे थे, वहां से सब डॉक्यूमेंट निकाला, वो मूल प्रत उनके गुरुजी के पास थी, और वो ये पूरा जो नॉलेज है इसमें से पता चला कि ये लोग देख गए। फिर हमारे यहां क्वैक शब्द आया कि ये जो करेगा उसको क्वैक बोला जाएगा, उसको पनिशमेंट होगी। तो ये जो हम करते थे उसको बंद कर दिया, उन्होंने फिर जेनर को डेवलप किया, और जेनर ने फिर बताया कि मैंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मैंने ढूंढी है, या हम लोगों ने उसको बड़ा किया। तो बड़े खतरनाक षड्यंत्र में आप हो, याद रखिए, विथ डॉक्यूमेंट, और उनके ही डॉक्यूमेंट से मैं बताता हूँ, वो तो अभी इतना समय नहीं है, आगे बढ़ेंगे। कितना व्यापार है इसका, पोलियो से लेकर बीसी जी के लेकर, ये देखो आप जो 3719 ये मिलियन डॉलर का बिजनेस है, सबसे ज्यादा करता है बिल गेट्स, भारत देश में कहीं नहीं है। आपको बताया जाता है ये दो वैक्सीन उन्होंने बनाई थी, हमारी कुछ नहीं है उसमें, नाटक ऐसे पार्टनर तो वही है, फिर से भारत बायोटेक का भी वही पार्टनर है, और जो हमारी दोनों का पार्टनर है सबसे शेयर ज्यादा उसके है, इसलिए तो वो हमारे बारे में बहुत लिखता है कि भारत बड़ा वैक्सीन पहुंचा सका। ये बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट में से रिटायर हो गए, ये काम कर रहे हैं, मैं लोगों को स्वास्थ्य दे रहा हूँ। 75 प्रकार की वैक्सीन उन्हें, उनके बिना भारत ने दुनिया कुछ नहीं कर सकती। रूल WHO बनाता है, WHO को एक्सपीरियंस क्या है, कोविड के समय खुला पड़ गया, कुछ नहीं कर पाए, अमेरिका अपने नागरिक को बचा नहीं पाई, इतना डेवलपमेंट, इतना रिसर्च, इतना साइंस, इतने डॉक्टर्स, और WHO के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, क्योंकि जब इससे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो एंड में उस समय WHO का जन्म नहीं हुआ था, तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, और WHO के कोई अपने हॉस्पिटल नहीं है, याद रखिए डॉक्टर्स का सुन लीजिए, WHO के ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई रिसर्च सेंटर है। हमारे नाटक के ऊपर रूल बनाने वाला अमेरिका का प्यादा है, याद रखिए, और वो दुनिया भर को वैक्सीन, इंद्रधनुष, ये हमारे मिनिस्टर्स, बड़े बड़े नेता, सब लोग, नेता अभिनेता दो बुद्धिजीवी है। मैं जब ये बोल रहा हूँ तो पीछे में बताने वालों का हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, गाय हमको क्या कहती है, वो प्रूफ के साथ पता होगा। लेकिन दुनिया को वैक्सीन देने वाला आप देखेंगे ये बिल गेट्स, जो 2500 मिलियन डॉलर का वैक्सीन का बिजनेस करता है, उन्होंने अपने बेटे को, बेटी को, 3 बच्चे उसको वैक्सीन नहीं दिया, ये कोविड नहीं, कोई भी वैक्सीन नहीं दी, जो आज सबसे बड़ा एक व्यक्ति बना था, कहता मेरा फाउंडेशन है, हम स्वरूपन फाउंडेशन चलाते हैं, गोविंदन फाउंडेशन चला, हमको लगता है कि फाउंडेशन यानी कोई बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि हमको अच्छा ही करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, खतरनाक चीज करता है, दुनिया में उसको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, इतना पास भी नहीं, इतना लिटरेट नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है कोई, तो ये क्यों कर रहा है, ये समझना पड़ेगा, ये चैलेंज देनी पड़ेगी, आगे चलेंगे तो फिर आप किसी को गालियां देंगे, गुस्सा करेंगे, गलत गलत चैलेंज करेंगे, और मूर्खों की दुआई देते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर क्या कर रहे हैं, आगे चलेंगे। तो हमने गुजरात में जो मुहिम चलाई है, शायद राजस्थान के थोड़े बढ़िया है, आप जैसी संस्था है तो आप कर सकते हो, यूपी में भी आप कर सकते हो। आयुर्वेद व्यासपीठ एक आयुर्वेद की संगठना है, वैद्योगी है, जो आयुर्वेद के लिए काम कर रही है, और विद्या भारती आप जानते हैं संघ विचार आरएसएस का स्कूल है, जो उसके 30,000 विद्यालय है, गुजरात में उसके 400 विद्यालय है, लेकिन मैं जो आपको डेटा बताने वाला हूँ वो 70 स्कूल्स की डाटा बताने वाला हूँ। तो हाँ, ये उसका शास्त्रीय अर्थ है, लेकिन होगा अपने आप फोटो। तो सूर्यप्रसन्न वैद्य है, जो बच्चा जन्म चुका उसके बाद 12 साल तक थोड़ा जो 13% IQ है बढ़ सकता है, सूर्यप्रसन्न से वो डिपेंड कर रहा है। वैद्य है, बल्य है, वो फिजिकल फिटनेस करता है, वो मसल्स को, बोन को वो अच्छा कर सकता है, वो इतना ही नहीं, वो स्वर्य है, वो आवाज आपकी लाइफ तक, क्योंकि स्वर्य जो है स्वर वो अपना ही होता है, मुझे ऊपर जितने लोग हैं 7-5 लोग हैं सबका अपना वॉइस है, वॉइस आत्मज भाव है, वॉइस ऑफ मुकेश हो सकता है, मुकेश वापस नहीं होता, और आप वर्ल्ड स्किन अच्छा रहता है, और वो आपको लंबा आयु से देता है, ये सिर्फ 12 साल तक पुष्य नक्षत्र में एवरी 27th डे ये पुष्य नक्षत्र आता है, उसमें ये देना होता है, ये ड्रॉप्स जो है पुष्य नक्षत्र में, क्यों, उस दिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एकाकार होता है,
ये क्या आपको जीपीएस दिखाएंगे, ये क्या आपको नासा से हमको कॉस्मोस में ले जाएंगे। हमें मालूम था कि चंद्र और कर्क मिलकर हमको क्या कर सकता है, हमारे बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है, बुध की इम्पैक्ट क्या होती है, गुरु की इम्पैक्ट हमें क्या कर सकती है। हम उसका ज्ञान रखते थे जिसको कहते थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हम ज्योतिष के भरोसे पड़ गए, हम सिर्फ हमारा आगे क्या होगा वही पूछते हैं। ये ना समझी तो ये उस दिन हम करते हैं और ये पूरे नौ कंट्री में जाता है। इतने शिशु मंदिर में यह हुआ, ये काम आपको मैं बता रहा हूँ आगे चलेंगे। अभी हमने जो उसका कोविड के समय कि मेरे सामने चैलेंज, एक तो वैक्सीन के सामने बोलना और कोविड की वैक्सीन के सामने, मैं तो नहीं लिया वैक्सीन, मैंने नहीं लेने दिया तो मैंने विकल्प दिया उसका, लेकिन बच्चों को तो बचाना। थर्ड वेव की जब चर्चा हो रही थी तो भारत सरकार ने मुझे चैलेंज दिया कि तुम बोलते हो मतलब जेल में ले जाओ, मेरे पास तो प्रूफ है। वो प्रूफ मुझे देना पड़ा, 5,000 बच्चों का हमने कोविड के समय सर्वे किया है वो आपके सामने दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारे पास बहुत डेटा है, मैं एक दिन 16% पर बोल सकता हूँ। पूछा गया उसके पेरेंट्स को इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में भी है, मेरा एक जनरल ग्रॉस क्वेश्चन कि ये 5 साल का डाटा है, 5 साल में 16% देने के बाद आपके बच्चों को कुछ फायदा हुआ, हाँ या नहीं। अगर इधर 16% से कोई दुष्प्रभाव हुआ, आपके बेटे को कभी उल्टी हुई, झाड़ा हुआ, बुखार आ गया, आप इतने 5 साल से दे रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम हुआ, आप देखिए कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने ना बोला। नेक्स्ट, आपने क्या जनरल वैक्सीनेशन किया है आपके बेटे का, तो 25% तो हमारे ऐसे लोग हैं जिसने कोई वैक्सीन नहीं दिया, क्योंकि हमारे बच्चे जन्मते ही गर्भ संस्कार से, हमारी पूरी योजना प्री कंसेप्शन से हम करते हैं, तो कोई रोग जन्म से नहीं आ सकता, तो ऐसे बच्चे थे। अब जिसको वैक्सीनेशन भी किया गया था और नहीं भी किया गया, उसके घर में जरा जाके उस बच्चों को भाई, इस 5 साल में आपको कभी बच्चे को एक बार, दो बार, तीन बार कोई दवाई लेनी पड़ी, बीमारी हुई, आप देख सकते हो कि हेल्थी बच्चे कितने 5 साल तक जिसको दवाई ना लेनी पड़ी। नेक्स्ट, उसको जब पूछा गया कि आप दवाई लेनी पड़ी होगी लेकिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा कोई बच्चे को, जो बच्चे को कुछ दवाई देनी पड़ी थी लेकिन उसमें से हॉस्पिटलाइज कितने बच्चे को होना पड़ा, ये भी आप देखिए। कोरोना से संक्रमित हुआ आपका बच्चा, ये थर्ड वेव जब था, बच्चों में मार देगा, बच्चों को खत्म कर देगा, एड्स ने सब लोगों ने डरा दिया, बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े नेता लोग डरा गए थे, बच्चे डर गए थे, माँ बाप डर गए थे। ऐसे समय पूछा कि आपका कोई बच्चा, कितने बच्चे इस कोविड काल में आप संक्रमित हुए। अब देखो ये संक्रमित नहीं हुए वो तो ठीक है, लेकिन उसके घर में कोविड था, आपके घर में कोई कोविड से था, तो जिसके घर में दादा दादी पापा माँ कोविड से संक्रमित थे, बच्चे तो घूम के कभी कोई भी रूम में जाते थे, वो तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उसको पता ही नहीं, लेकिन उसके घर में भी उस बच्चे को कोविड नहीं हुआ। नेक्स्ट, तो ये बाकी तो मानसिक विकास और उसका तो बहुत है, नहीं दूंगा। ये GMP स्टैंडर्ड जो भारत सरकार को जो करना चाहिए, FSSAI अप्रूव ऐसा ये मटेरियल बनता है जो मेरे गांव की महिला बनाती है, लैब उसका देखते हैं, स्टैंडर्ड बनाना, लोगों को पहुंचाना, लेकिन ये गांव की महिला जहाँ गाय है, जहाँ घी है, उनको ही बनाने देते हैं, लेकिन लैब हमारा कंट्रोल में रखता है, क्योंकि वो गलत से दे दिया तो हो जाएगा, इसलिए इसका पूरा ख्याल रखते हैं हम साइंटिफिकली। और ह्यूमन बड़े लोगों के लिए, यूथ के लिए हमने स्वर्ण लय बनाया, एडल्ट के लिए, खास करके मिडिल एज के लिए, कि भाई आपके पास वो कहते वैक्सीन जैसा कुछ बना हो, मतलब ये लो करो इसकी ट्राई, हमने कर ली। आप कहते हैं वी आर इन फेवर ऑफ इम्यूनाइजेशन, वी आर अगेंस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, हम इम्यूनाइजेशन के फेवर में तो है, रोग प्रतिकारक क्षमता तो आनी चाहिए, लेकिन आपके तरीके से आएगी, अमेरिका बोलेगा वही वैक्सीन होगा, या हमारे पास शास्त्रों में कुछ था, पोलियो आप दे रहे हो, भारत की 18 वर्षीय सेना युद्ध में लड़ी थी महाभारत के युद्ध में, तो उस समय तो पोलियो बहुत होने चाहिए, एक ही आदमी लग रहा था, कौन है जिसका तो मगज भी लग रहा था, शकुनी, तो पोलियो हमारे बाप दादा के होता ही नहीं था, और अगर होता है तो हमारे पास रास्ता है आगे चलने। तो ये मैंने बताया, ये बनाने वाली भारत की पहली वुमेन कोऑपरेटिव है, जो गाँव में है, खेतों में काम करने वाली महिला है, जो वहाँ का किसान काम करता है, उनकी ही पत्नियाँ हैं, उनके पास से हम ये पूरा प्रोडक्शन करवाते हैं, तो वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक
कोऑपरेटिव बनाई है, महिलाओं की विमेंस कोऑपरेटिव है जो मिलकर ये मेडिसिन बनाती है। मैंने स्वर्ण फसल का जिक्र किया, लेकिन ऐसी वो बहुत सी चीज़ बनाती है। ये बावनवे चिखलिया जो उस समय की केंद्रीय मंत्री थी, ये हमारे आरएसएस की महिला चीज तो प्रहला का, और ये लड़की जो है ब्राउन स्कर्ट में वो है काम मेहनत महिला सरकारी मंत्री की प्रेसिडेंट कल्पना पटेल। 200 महिलाएं मिलकर ऐसी बहुत सी चीज़ बनाती हैं। तो क्योंकि हमारा कंसर्न है बाल वो ही बलम राष्ट्र, आने वाली जनरेशन को कुछ ठीक करना है। हमारी कुछ गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन गाय से, आयुर्वेद से, हेल्थी लाइफस्टाइल से भारत कैसे टिकेगा? क्योंकि अभी डब्ल्यूएचओ ने बता दिया कि देखो टीसीएम या सीएम कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन उसका ही रास्ता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तो अपने अपने कंट्री में कौन सी चिकित्सा पद्धति उसको ढूंढो। डब्ल्यूएचओ ने हाथ साफ कर दिया, उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, कोविड में तो खुला पड़ गया। तो ये कितना पॉपुलराइज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए जर्मनी भी यूज करता है। नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस, किसी को बीमारी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पूरा एरा बदल चुका है। ये मैग्सेसे अवार्ड विनर बुक है, लिखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का एड है कि पूरा जो अभी का ये एरा आ रहा है 2030 तक का, उसमें हेल्थ की बातें चलेगी, बीमारी की बात। आप सोच रहे हो बच्चे को MBBS करेंगे, मत करो, BMS में दाखिल करो, बहुत बड़ा गुना होने लगा। आयुर्वेद की फैक्ट्री खोलो, नेचुरोपैथी का काम करो, दूध का काम करो, दूध यानी देसी गाय का दूध जो हम 4-5 दिन से चर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ा शिफ्ट हो रहा है, पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। ये वर्ल्ड मार्केट और भारतीय मार्केट मैं आपके सामने रख दिया है 2025 तक का। ये वर्ल्ड में तो 2027 में ये मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है देख लीजिए। बिजनेस भी करना है तो इसका करो, हम तो उसमें लगे हैं। थ्रोट की गोलियां बेचेंगे, टेट्रासाइक्लिन बेचेंगे, वैक्सीन बेचेंगे, कंडोम बेचेंगे, हमारा तो बिजनेस का भी मगज काम नहीं कर रहा। लेकिन ये बिजनेस दुनिया के लोग अगर आप नहीं करोगे तो ये बिजनेस यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग करने वाले हैं। ये भारत के सामने चैलेंज है, भारत की जिम्मेदारी है। तो आगे बढ़ेंगे तो 43 बातें फिर से मैं कहता हूँ कि योग, आयुर्वेद और सदाचार। आयुर्वेद को जो मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में वही सदगुण है, सदाचार उसमें भी दिया, योग तो उसका पार्ट है। इस तीन से आदमी ठीक रह सकता है, अच्छा रह सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः उसमें से ही हो सकता है। देखो मैसेज में 5-7 फिर से कि हर 3 महीने आपका वजन चेक करो, 2 bites कम खाओ, 15 दिन में एक बार एकादशी, 2 पुरियात भजन बोलो, 15 दिन में एक बार एकादशी रखो, खाओ नहीं और भजन करो, पेट खाली रखो, और इस तरह से। और दादी की बात सुनो, नानी की बात सुनो, पुरानी हमारी जो बातें उसको समझने की कोशिश करो तो आप बीमार नहीं होंगे। कभी इच्छा हो कि भाई ऐसी लाइफस्टाइल सीखनी है 2-3 दिन, कैसे खाना, क्या नहीं खाना, हर चीज़ का साइंटिफिक वो सीखना है। और ऐसे ही रसोई कैसे पकाना, कौन से पात्र में खाना। तो हमारे यहाँ ये बेहतर बिहार हमारा इको विलेज एकदम प्लास्टिक न स्टील न सीमेंट, ऐसा हमने कोशिश की है। और सब जी तो आ गए हैं, ये हमने बनाया आप आके, वहाँ यज्ञशाला है, गौशाला है, ये सब व्यवस्था है। हम उधर ट्रेनिंग भी करते हैं, आगे चलेंगे। इसका इंटीरियर भी आप देखिए, कहीं भी कलर जो है वो सब मेरी कच्छ की मिट्टी है, जमीन की मिट्टी के कलर, कोई आर्टिफिशियल कलर भी यूज नहीं हुआ। और साग के, शीशम के लकड़े हैं, और बिल्कुल आप इसके, ये तो रशियन लोग, अमेरिकन लोग जब कहते हैं कि हमको इसमें रहना है, हम तो इससे भाग रहे हैं, गांव के घर बेच के सीमेंट कॉन्क्रीट के जंगल में कितने फंस चुके हैं। बदलने के लिए कभी 1-2 दिन इच्छा हो, मैं तो चाहता हूँ सरोवर भी उसके साथ जुड़े और यहाँ भी कुछ ऐसा प्रोवाइड और करें, तो ये दुनिया का अच्छा सेंटर बन सकता है। आगे चलेंगे तो आयुर्वेदा लिविंग का, और गुजरात सरकार ने खास करके टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे वेलनेस रिसर्च के लिए इंचार्ज बनाया है, मैं उसका मेंटर हूँ। तो वेलनेस कैसा है, वेलनेस टूरिज्म, टूरिज्म भी चाहिए लेकिन वेलनेस टूरिज्म, तो वेलनेस टूरिज्म हम यहाँ स्वरूपन के साथ भी जुड़ के कर सकते हैं। आगे चलेंगे। आपको लगता है कि भाई ये वेलनेस तो महंगा पड़ेगा, तो ट्राई इलनेस। तो बस मुझे जज साहब के सामने जजमेंट तो वही लेंगे कि मैंने क्या कहा, लेकिन जो भारतीय जीवन शैली है जिसमें गाय, हमारे दादा दादी, नाना नानी, पिता थे, परंपरा थी,
बस उसके रास्ते हम चलेंगे, यही है आपके सामने प्रार्थना है। 7 दिन तक मुझे बोलने का मौका मिला, हालांकि मैं 16 साल से ये व्रत रखता हूँ, कभी बोला नहीं, लेकिन अभी मैंने जो पहले दिन बताया कि लगता है कुछ बोलना भी पड़ेगा, तो मैं मेरी जगह से हटके यहाँ सरोवर में आया। मैं पुरुषोत्तम जी का आप सबका बहुत आभारी हूँ, फिर तो मेरा मौन शुरू हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये ज्ञान प्रभाव ने मुझे भी बैठने का मौका दिया और आपके साथ शेयर करने का मौका दिया, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, 60 साल हो चुके हैं, शायद मैं कहीं भूल जाऊँ, गलती मैं भी कर बैठूँ, कहीं मैं भी लालच में फंस जाऊँ, कभी मैं भी वैद्य से हटके डॉक्टर बन जाऊँ, तो मुझे भी मेरे पर संस्कार मेरे साथ थे। कल तो पुरुषोत्तम जी थोड़े दुखी हो रहे थे कि आप तो बोले नहीं, हम तो बहुत बात करना चाहते थे, मैं तो आपने मेरे पर क्या संस्कार किए हैं, क्या मालूम आपको, आपको तो मैं दे पाया पता नहीं, लेकिन मेरे पर भी संस्कार हुआ है, उस संस्कार करने का जो मौका मिला उससे मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। कुछ अच्छा लगा हो तो ऋषि मुनियों का है, आपको वो लेना चाहिए, पसंद करना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए, और बुरा लगा हो तो मेरा है, मुझे वापस दे दीजिए, मैं ये मौन बन के आया था, मौन ही मौन चला जाऊँगा, लेकिन अंदर से सुकून लेके जाता हूँ। धन्यवाद, भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर सर, और निश्चित रूप से ये 7 दिन जो थे हमारे लिए बहुत विशिष्ट रहे, और आपने बताया कि आप खुद भी संस्कारित हुए, तो इस प्रवाह के अंदर हम लोग सभी भरे, और कई चीज़ें जो ऐसी हर टॉपिक पे और हर दिन हमें ऐसी सीखने को मिली है जो शायद लाइफ में पहली बार ही सुनने को मिली है। कई लोग हैं ऐसे जो पहले दिन से हम लोग एक ड्यूटी और उसको समझ के जरूर आते हैं, लेकिन कई लोग हमारे साथ थे जो पहले दिन से लेकर आज तक हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने भी एक संस्कार के साथ साथ अनुशासन का भी पालना करी, तो बड़ा ही रुचिकर चीज़ें बताई है, और ये एक नज़र दृष्टि जाती है कि हम वास्तव में वैक्सीन के संसार में और एक एलोपैथी के संसार में खो चुके हैं, और अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटने का जो एक तरीका है जैसे आपने बताया वो आयुर्विज्ञान और हमारे भारतीय जीवन शैली में है, और बिल्कुल सही बात है, आयुर्वेद सिर्फ रोगों का उपचार करने का नाम नहीं है, ये एक मिथ है, और मिथ क्या है कि अगर मान लो पहले बार हम सुनते हैं कि आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद के जो वेदाचार्य हैं उनका सबसे पहली ड्यूटी है कि वो सभी लोगों को रोगियों को स्वस्थ रखें, और उसके बाद जो निरोग हैं उनको भी स्वस्थ रखें, तो हमारा जो एक पहला भारतीय जीवन दृष्टि का था कि हम जो है वो पॉजिटिव रह के हर दृष्टि से उसको बिजनेस के साथ नहीं जोड़ देते, तो हमारा ये संसाधन और बिजनेस तो हमारे साथ हम सबसे ज़्यादा जो लगता है कि इसमें ये मूल रूप में कि स्वास्थ्य और जीवन शैली हमारे सबसे बड़ी संपत्ति, और उसके बाद जो है हम लोगों का जो जो अर्थोपजन है कि जैसे कि 24 देशों के अंदर घी बेचा जाता था, तो हमारे पास अपना सब कुछ संपन्न था, दुनिया में हम बांटते थे, तो उस लाइन और दृष्टि को खो के हम इन 1000 साल का हमने इतिहास का भी वर्णन किया है, तो कहीं खो के हम वापस अब उस ओर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ पुनर्जागरण हो रहा है, एक यूरोप का वो पुनर्जागरण हुआ था और एक अब पुनर्जागरण हो रहा है, वो विश्व गुरु के जो कल्पना है माता क्यों कहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें स्वर्ण भाषण, मुझे नहीं लगता कि पहले आज से ये तो शायद अभी की शुरुआत है कि इस तरह का प्रयोग जो है बच्चों के अंदर होने लगा है, तो इसका प्रभाव भी आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, ये बहुत ही एक पॉजिटिव नोट में शुरुआत है, और उदयपुर जैसी नगरी के अंदर जिसको टूरिस्ट के सेंटर के रूप में हब के रूप में तो जानते हैं, लेकिन अब मैं इतना जरूर अश्योर हूँ कि स्वरोपण फाउंडेशन भी हम मिलकर जो इस बीड़े को उठा रहे हैं, और ये डेफिनेटली सर डॉक्टर साहब आपके साथ जो है कदम से कदम मिला के चलेगा, और ये सारी चीज़ें जो प्रयोग वहाँ बताएं, हम भी चाहेंगे कि एक फोटो देख के हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी 2-3 दिन वहाँ रहें और कुछ उदयपुर को नया दें, और वैसे भी गुजरात से तो यहाँ टूरिज्म बहुत आता है, लेकिन इस बार गुजरात से टूरिज्म नहीं आया है, इस बार गुजरात से आप जो है एक संस्कार वैली लेके आए हैं पूरी, जो हमारे लिए इस नवरात्रा में बहुत शुभ रही है, तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोर सा। एक संत की वाणी है और आपने एक बहुत अच्छी चीज इसको कनेक्ट करी थी कि मुझे यार जब आप साइंटिस्ट समझते हैं तो साइंटिस्ट समझ के सुनिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं साइंटिस्ट से दूर भाग रहे हैं तो मुझे पंडित जी के चोले में ग्रहण कर लीजिए, तो दोनों तरह से इन्होंने वैज्ञानिक और
साथ साथ में अपना पौराणिक परंपरा के भाग के रूप में आपने आपको प्रतिपादित किया। आज हमारे साथ सर बहुत ही विशिष्ट गेस्ट हैं और युवा हमारे जज साहब हैं, ये डीजे श्रीमान कुलदीप जी शर्मा साहब। नियम और अनुशासन के साथ साथ आज आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप बधाई। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि कुलदीप शर्मा साहब का स्वागत करें, तो साहब एक बार पहले तो आप यहाँ बधाई और बुके जो है डॉक्टर देश जानी साहब आपको जो है कुलदीप शर्मा साहब सबसे पहले देंगे सर। तो ये एक उदयपुर की तरफ से आभार भी है और हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। दूसरा मैं यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ जन मौजूद हैं, तो मैं डॉक्टर अनिल भटनागर साहब और नरेंद्र सिंह जी आप भी बता रहे हैं और स्वामी साहब चले एंड सर आइए आप मैं आपका आपका चेहरा और आपका नाम हमेशा मुझे अपने नाम बता रहे हैं और जैसे आपका ऑनर है डॉक्टर अनिल भटनागर साहब आइए प्लीज सर। एजुकेशन डायरेक्टर और हमारे भारत विकास परिषद से जुड़े हुए तीनों हस्तियाँ और आप ऑनर करें हमारे कुलदीप शर्मा साहब का क्योंकि सर इससे पहले हम आगे बढ़े कुलदीप शर्मा साहब से मैं सुनना चाहूंगा कि सर हमारा ये प्रयास कैसा है और इसमें हम लोग आपकी दृष्टि में उदयपुर में क्या भविष्य देख सकते हैं। परम सम्माननीय डॉक्टर जानी साहब और उपस्थित सभी सम्माननीय विकास परिषद के सदस्य और उपस्थित सर, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया पहला सुख निरोगी का है, तो पहला सुख सारे सुखों का उपभोग जब ही कर सकें जब हमारा शरीर निरोग रहेगा। और जैसा कि आज जैसा सुनने से हम लोग लगा कि हमारे जीवन में पहले से ही वैज्ञानिक सोच से हमारी आदतों में और कहावतों में डाला गया था, जैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अपने दादी नानी पुराने टाइम से कहती थी कि इस तरह से नहीं करो, इस तरह से ये चीज नहीं खाओ, इस टाइम ये करो, तो ये सब चीजें वैज्ञानिक अवधारणा पे थी। लेकिन पुराने जमाने में जो हमारे मैं जो मानता हूँ हमारा जो भी इतिहास था या जो भी हमारा वो था उसमें एक तो लेखन कला की कमी थी, गुरुकुल का सिस्टम था, गुरुजी अपने शिष्यों को बताते थे, वो शिष्य अपने शिष्यों को बताते थे, तो लिखित में बहुत कम रहा। एक समय जो था और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे अकंपरों का आक्रमण रहा, पत्या ने जी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, किसी ने तक्षशिला जला दिया, किसी ने ग्रंथ नष्ट कर दिए और उन वजह से हमारा बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो गया। पर हमारा आज भी जितना ज्ञान बचा हुआ है जो हम जानते हैं, तो परम सम्मानीय डॉक्टर जानी साहब जैसे लोग, विद्वान लोग, राजीव दीक्षित जी, बहुत सारे लोगों ने उस ज्ञान को दोबारा से लोगों में दिया और लोग उसकी ओर जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आधुनिक बनने की दौड़ में हमने पश्चिम संस्कृति और पश्चिम वेशभूषा खान पान को इतना ज्यादा अपना लिया है कि हम संस्कारों से भी दूर हो रहे हैं और अपने स्वास्थ्य से भी दूर हो रहे हैं। और जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया कि आयुर्वेद एक वो चिकित्सा पद्धति नहीं है, एक जीवन शैली है जो व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन और अच्छा जीवन और चरित्रवान संस्कार मान बनाने के लिए उसको बिल्कुल तैयार करती है। तो आयुर्वेद को हम चिकित्सा पद्धति ही ना माने, उसको ये माने कि हमारे जो भारतीय और ऋषि परंपरा की जो जीवन पद्धति है वो है। और मैं आज यहाँ के बहुत लाभान्वित हुआ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जानी जी और सारे लोग इस तरह के प्रयास करते रहे जिससे कि हमारी और मैं हमारे प्रशांत जी और सभी लोगों से ये कहता हूँ, हम लोग अपना जीवन जी चुके, अब 45 साल की उम्र तक मैं आ चुका, आप सभी लोग हैं, हमें ये चीजें है ना, हमारे जो नए बच्चे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पीढ़ी को तैयार, मतलब आप एक बच्चे को, एक 6 साल के बच्चे को आप किसी इस तरह के संस्कारों में डालेंगे और इस तरह की जीवन पद्धति को उसके अंतर्मन में धीरे 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 डालेंगे, एक जनरेशन शिफ्ट होता है और वो जनरेशन शिफ्ट होता है वो देश को बदल देगा। तो हमें, मैं यही अनुरोध करूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, आप सभी लोगों से ये करूंगा कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार, अच्छे संस्कार दें, इस जीवन पद्धति के फायदे बताएं और वो इसमें आएंगे तब हम इस देश को एक सशक्त भारत और एक समृद्ध भारत बना पाएंगे जिसमें ये जो आज की तारीख में जीवन शैली के रोग हैं इनसे हम मुक्ति पा सकेंगे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।
श्री गुर्जर हमारे साथ एक बिल्कुल साधक के रूप में और जो इस जीवन को जी रहे हैं अपने गौशालाओं के साथ और अपने अपने इस प्रयोगों के साथ, तो ब्रजेश जी भी मौजूद है। ब्रजेश जी आए और आप जो है एक बार मंच पे आए। पाठक साहब आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सुनना बाकी है और आप वास्तव में मतलब इस जो पंचगव्य या गौशाला के जितने भी सिद्धांत है उसको आप मूर्त रूप में दे रहे हैं। और जहाँ तक मुझे सुनने मिला है कि आपकी मदर को डायलिसिस और हाइट शुगर था, लेकिन ये जो है सिर्फ 6 महीने के अंदर गाय के संसर्ग में रहने पर उनके पदार्थ को यूज करने पर वो रिवर्स हुआ है, ये आपके प्रत्यक्ष आंखों देखी घटना है इसके लिए और कोई और किसी और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। तो बहुत हम लोग इससे प्रभावित भी हैं और हम चाहते हैं पुरुषोत्तम जी से बातचीत होती रहती है, आपसे मिलना अभी हुआ है क्योंकि डॉक्टर रितेश जानी जी का नाम जब आता है जब ब्रजेश जी का भी नाम आता है, तो इसलिए क्या है आपको हमारे साथ जुड़ के इस मिशन को आगे बढ़ाना है। और मैं चाहूँगा कि ये हमारे ही फादर की लिखी हुई एक बायोग्राफी है जो कुलदीप शर्मा साहब को आप प्रेजेंट करें और उनको ऑनर करें। सर कुलदीप शर्मा साहब हमारे सर यहाँ पर सर्वन फाउंडेशन के फाउंडर हमारे पुरुषोत्तम जी के फादर जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अंकल को प्लीज यहाँ पर अंकल आए आप स्टेज पे आए आप प्लीज आए अंकल हाँ भाई आए आप प्लीज आए। और डॉक्टर साहब जानी साहब को सर ये छोटी सी भेंट की और प्रतिलिपि जो हमारे फादर दर्शन शास्त्र के बहुत सारे उनके द्वारा इधर आए हैं ये चीज। धन्यवाद सर। अंकल का भी यहाँ पर पहली बार उदयपुर आना हुआ है और हम आशा करते हैं कि आप स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अनुभव उदयपुर की आबोहवा में लेके जाएंगे। तो बस एक थैंक्स नॉट के लिए मैं पुरुषोत्तम जी को इनवाइट करूंगा तो आए और एक कंक्लूडिंग नॉट दे सर। इसके बाद सर एक ग्रुप फोटो हम लोग खिंचवा लेंगे प्लीज प्रिंट जाए। धन्यवाद प्रशांत जी और किसान दिन कैसे गुजरे पता नहीं करना शुरुआत हुई और लेकिन एक कॉल आया डॉक्टर साहब का कि हमने ऐसा कुछ तो करना सोचा है और क्या हम कर पाएंगे। मैंने कहा सब कुछ कुछ करना चाहिए उदयपुर जितना सर के लिए नया अपने डेढ़ डे भी नया और जल्दी से स्टार्ट हुआ तो एक चैलेंज की तरह हमने उदयपुर को स्टार्ट किया और डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं हमारे को अगर ब्रजेश जी हमारे मेंटर हैं उससे और सब भी रहे। सरोपन फाउंडेशन का मैं थोड़ा सा एक प्रक्रिया कर लेता क्योंकि काफ़ी हमारी बातचीत हो गई है तो मैं ज़्यादा समय किसी का लूंगा नहीं। बट इस प्रोग्राम का जो हमारा जो इंटेंट था वो ये था कि एक बार पहले हम इसको लोक आयुर्वेद को पंचगव्य आयुर्वेद को यहाँ पर पहले एक बार स्थापित करें स्टार्ट करें। इसका पहले दिन जब 20 लोग आए तब भी मेरे शोल्डर डाउन नहीं थे क्योंकि मुझे पता है कि आज 20 लोगों का 200 भी आएंगे और आगे 2000 भी आएंगे तो एक शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। उस शुरुआत के साथ हम लोग स्टार्ट करा हुआ और आगे चल के डॉक्टर साहब के साथ हम काफ़ी सारे रिसर्च करते वाले हैं जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में रहेंगे क्योंकि BMS कॉलेज के काफ़ी छात्र हमारे बड़े कंसिस्टेंट हमारे श्रोता रहे हमारे पढ़ाए चुनाव मानने वाले हमारे सारे छात्र इनके प्रोग्राम्स को सुना। बट बहुत सारे प्रोग्राम्स हम यहाँ पर ऐसे हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स से एक एक साल के डिप्लोमा है उनको हम कोशिश करेंगे कि आपस में हम लोगों को कन्वर्ट करके डॉक्टर साहब के साथ उनकी संस्था के साथ वेंचर करके हम लोग उसको हाइब्रिड के यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे पंचकर्म टेक्निशियन के कुछ प्रोग्राम्स हम लोग सोच रहे हैं और हम लोग आयुर्वेद के अपने वेद संस्कार के हम लोग सोच रहे हैं काफ़ी सर ने 2-4 प्रोग्राम्स का जिक्र भी करा तो आगे चल के रोजगार बढ़े आयुर्वेद को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिले और आयुर्वेद आयुर्वेद आगे चल के बढ़े ये सब हम चाहते हैं। और जैसे आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा हम किस तरीके से हमारा अभी तक हमारा रहा जीवन शैली रही और आगे की जीवन शैली हमने कैसे रखी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है राइट। तो इसको हमें कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। एक शुरुआत हमारे यहाँ से हमने सरोपण फाउंडेशन दे दी है बट हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं यहाँ से हम आगे और प्रोग्राम्स करेंगे हम फिर दोबारा और इसको लोगों तक जाएंगे पहुँचेंगे कुछ ट्राइबल्स को भी जोड़ेंगे कम्युनिटीज के साथ हम काम करेंगे। जैसे सर ने लक्ष्य बात का बताया था उदयपुर में रुका रहे चले गए कोशिश करेंगे कुछ उदयपुर में भी हम उस तरीके का प्रोग्राम से हम साथ कर पाएंगे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं उनको साथ करेंगे जोड़ेंगे
स्वरोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग गौ निर्माण जो हमारे उत्पाद है उनको हम कैसे अपने ग्रामीण कम्युनिटी के साथ लिंक कर पाए, कैसे स्वरोजगार के हम लोग वहाँ पर जो चेतना है वहाँ फिर जगह पर, इन सबको प्रयासों में लेके एक बार स्वरोपण फाउंडेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ स्वरोपण फाउंडेशन जिन जिन्होंने मेरा अनुरोध जिन्होंने नहीं करा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसक्रेट कर सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सातों दिन उन्होंने बहुत नियमित तौर से प्रोग्राम का उन्होंने संचालन करा, और जो जो श्रोता जो जो है यहाँ पर उनको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्कूल जो भाव हुई बात हो आपसे क्षमा प्रार्थी, धन्यवाद बहुत बहुत। एक सर ग्रुप फोटोग्राफ ले लेते हैं सर, आ जाए सर, जैसा आप एक बार सारा गर्व बना लेते हैं, लाइट जला दे, लाइट जला, लाइट लाइट्स भी ऑन कर दे, लाइट जला, चढ़ते हैं।